मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत। आप लोगों ने पहले प्राचीन भारत यानी कि एंशियंट हिस्ट्री पढ़ चुका है, दो लेक्चर्स कंडक्ट किए थे, काफी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन में कवर किया था हमने। तो अब आप जो हम एक ही लेक्चर में जो है मेडिवल हिस्ट्री कवर करेंगे, ठीक है? तो ये डाउट दिमाग में आप लोग बिल्कुल मत रखना कि भाई एक ही लेक्चर में पूरी मेडिवल हिस्ट्री कवर हो रही है। हम मेडिवल हिस्ट्री फॉर सीडीएस एंड एनडीए कवर कर रहे हैं, हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमें इसके लिए बहुत ज्यादा इनडेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें सरफेस नॉलेज कवर करनी है, हमें ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि मेडिवल हिस्ट्री में एक्चुअली हुआ क्या था और कौन कौन सी जरूरी चीजें हैं जो हमारे लिए पढ़ना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है सीडीएस और एनडीए के परस्पेक्टिव से। ठीक है, गॉट इट? शुरू करें? यस सर, ओके। यस सर। तो मेडिवल पीरियड से पहले क्या था, जिसमें आपको हर्षवर्धन तक पढ़ाया था, उसके बाद मैंने बुद्धिज्म और जैनिज्म कवर किया था। तो हर्षवर्धन की डेथ के बाद क्या होता है कि कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं रह गई नॉर्थ इंडिया में तकरीबन 500 सालों तक, ठीक है? तो पूरा देश जो है छोटे छोटे राज्यों में बट गया और बहुत ज्यादा टाइम तक क्या होता रहा, आपस में लड़ाइयां होती रही और उससे जो जो बाउंड्रीज थी राज्यों की, जो सीमाएं थी, वो घटती बढ़ती रही। तो 1000 से लेके 1200 सीई तक का जो एरिया था नॉर्दर्न इंडिया में, इसको एज ऑफ कन्फ्लिक्ट कहा गया, ठीक है? आपकी तीन प्राइमरी पावर थी, गुर्जर प्रतिहार थे, पाल थे और यहाँ राष्ट्रकूट हो जाते हैं। देखिए इनके बीच में बहुत ज्यादा संघर्ष हुए हैं, ठीक है? ब्रेकडाउन हुआ, ट्रिपाइटेड पावर्स जैसे राष्ट्रकूट हो गए, पाल्स हो गए और प्रतिहार्स हो गए। इसके बाद बहुत छोटे छोटे किंगडम्स हैं वो हमारी कंट्री में और ज्यादा आ गए। जैसे नॉर्दर्न इंडिया में देखें तो जो प्रतिहार्स थे उनका जो डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसकी वजह से बहुत सारे राजपूत स्टेट्स जो थे वो फोरफ्रंट में आ गए, ठीक है? राजपूत डायनेस्टीज वाले जैसे कि चौहान्स, चंदेल, परमार, ये सब, ठीक है? ये जो स्टेट्स थे इन्होंने बहुत सारे टर्किश अटैक्स जो थे उनको रेपेल किया, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया से आए, महमूद ऑफ गजनी के बाद मोहम्मद गौरी भी आए, ये 11th और 12th सेंचुरीज में हुआ, ठीक है? यहाँ से जो अरब से पूरा का पूरा कॉन्क्वेस्ट चलता था वो यहाँ से चलता था, नॉर्थ वेस्ट से आता था, सब खैबर पास से आते थे। अब तो ये कुछ राजपूत किंगडम्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे जो इमर्ज हुए उस पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है? तो देखो ओरिजिन और बैकग्राउंड की बात करें तो जो डोमिनेंस है राजपूतों का वो 7th और 8th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ और 12th सेंचुरी में जब तक मुस्लिम कंक्वेस्ट एकदम पूरी तरह देश पर नहीं छा गया तब तक चला। उसके बाद भी राजपूत स्टेट्स जो हैं वो सर्वाइवल की लड़ाई लड़ते रहे, उनकी लड़ाइयां चलती रहीं। मुस्लिम एग्रेशन के टाइम में जो राजपूत जो थे वो हिंदू रिलीजन और कल्चर के मेन डिफेंडर्स थे। 12th सेंचुरी में जो राजपूत टर्म था वो प्रोमिनेंस में आया, जिसका मतलब सर्टेन स्पेसिफिक लीनेज बेस्ड क्लैंस, ऐसे कुछ परिवार या ऐसे कुछ कुल जो किसी स्पेसिफिक लाइन से जुड़े हुए हैं, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, इस टाइप से, ठीक है? ये जो क्लैंस थे ये एक स्पेसिफिक टेरिटरी में रूल करते थे, अपनी जमीन, अपना परिवार यानी कि कुल और अपनी ऑनर, ये इनके लिए सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, जिसकी वजह से हर राजपूत कुल जो था वो अलग अपनी टेरिटरी मार्क करके रखता था। दे मेड वॉर एज देयर चीफ ऑक्यूपेशन, ट्रेड और एग्रीकल्चर भी प्रॉस्पर्ड हुआ। अरब ट्रेवलर रेफर टू द प्रॉस्पर्टी ऑफ द लैंड एंड द ग्रेट ट्रेड ऑफ द सिटीज, दे बिल्ड स्ट्रॉन्ग फोर्ट। जितने भी बड़े बड़े किले आपको दिखेंगे ये सब राजपूतों के द्वारा ही बनाए गए हैं, ठीक है? इन ऑर्डर टू एक्वायर लेजिटिमेसी एंड ऑथेंटिसिटी। तो राजपूत जो कुल हुआ करते थे वो क्या करते थे कि ब्राह्मण जो हैं उनको गैंगेटिक क्लेन्स डेल्टा वगैरह से बुलाया, जो भी रॉयल रिचुअल्स होते थे, सेरेमनीज होती थी, अलग अलग उपाधियां ली जाती थी, अलग अलग युद्ध वगैरह लड़े जाते थे, यज्ञ वगैरह किए जाते थे, तो ये सब ब्राह्मणों की हेल्प से होते थे। उसके रिटर्न में वो उनको दक्षिणा यानी कि फी दिया करते थे, जमीन वगैरह दिया करते थे, कैटल वगैरह दिया करते थे। तो जो राजपूत हैं उनके जो लिंक है वो भगवान राम से स्टार्ट होता है, जो सूर्यवंशी थे, इक्ष्वाकु क्लैन के थे, लॉर्ड कृष्ण यानी कि भगवान कृष्ण से होता है जो चंद्रवंशी थे, और अपनी एक स्पेसिफिक वॉरियर क्लास में सबकी पोजीशन होती थी, ठीक है? कुछ जो कुल थे वो अग्निकुल ओरिजिन के मानते थे खुद को, मतलब कि एक यज्ञ हुआ था माउंट आबू पे जो ऋषि वशिष्ठ ने किया था, महर्षि वशिष्ठ ने किया था, और वहां से क्या है कि आपके चार राजपूत जो कुल हैं वो इमर्ज हुए। सबसे पहले प्रत्यार हुए जो अग्निकुल के आते हैं, चौहान्स या फिर चौहान्स ऑफ अजमेर, चंदेल ऑफ बुंदेलखंड और परमार्स ऑफ मालवा। इसके साथ साथ मेडिवल बार्डिक ट्रेडिशन जो चारण और भाट होते हैं, जो कथाएं कहते हैं, कहानियां कहते हैं,
तो उनके या फिर जो भी मुंह जवानी पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियां चली आती हैं, उनके हिसाब से तकरीबन 36 राजपूत क्लैंस हैं कुल थे, जिनमें गढ़वाल आते हैं कन्नौज के, तोमर आते हैं दिल्ली के, सोलंकी आते हैं गुजरात के, चालुक्य आते हैं सॉरी चालुक्य आते हैं गुजरात के, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक किंगडम्स हैं, कुछ स्पेसिफिक क्लैंस हैं, उनको हम देखेंगे। सबसे पहले बात होगी चौहान या फिर चहमान ऑफ दिल्ली अजमेर। तो जो चौहान से हैं उनकी राजपूत डायनेस्टीज में बहुत ही प्रोमिनेंट रोल है, बहुत सारी ब्रांचेज हुई, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांचेज उनकी ब्रांच उनकी थी वो थी शाकंभरी प्रदेश में, यानी कि मॉडर्न जयपुर के पास में अर्ली 7th सेंचुरी में। तो जो चौहान से हैं शाकंभरी के, उनको चौहान ऑफ सांभर भी कहा जाता है, क्योंकि वो उस टाइम के जो प्रेजेंट डे राजस्थान का जो वो वाला एरिया है वहां पर उन्होंने रूल किया, जो भी उसके नेबरिंग एरिया से तकरीबन 7th से लेकर 11th सेंचुरी तक उन्होंने रूल किया। दे वर द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलिंग फैमिली ऑफ द चौहान क्लैन, बहुत सारी ब्रांचेस थी लेकिन चौहान ऑफ सांभर या फिर चौहान ऑफ शाकंभरी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। फिर इसके बाद इनकी जो इनिशियल कैपिटल थी वो शाकंभरी में थी, जो अभी सांभर के पास में है, जयपुर के पास में, इन द सप्तलक्ष कंट्री। ठीक है, हाउएवर द लेटर रूलर्स मूव द कैपिटल टू अजमेर, और इसी रीजन की वजह से उनको चौहान या चौहान ऑफ अजमेर कहा जाता है। ओरिजिनली वो प्रतिहार की फिटिटरीज थे, लेकिन किंग सिमराज के दौरान उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करेंगे, जैसे सबसे पहले सिमराज आते हैं, फाउंडेड द चौहान या चौहान डायनेस्टी 10th सेंचुरी CE में, अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। फिर आते हैं विग्रहराज, उन्होंने गुजरात के मूल राज फर्स्ट को हराया और चित्तौड़ को कैप्चर किया। फिर आते हैं अजयराज, इन्होंने भी अग्रेसिव पॉलिसी अपनाई, परमारों को हराया, उनकी कैपिटल उज्जैनी थी उसको कैप्चर किया, और अजाय मेरू, अभी की जो प्रेजेंट अजमेर है उसको पहले अजाय मेरू कहा जाता था, इसको यू नो फाउंडेड द सिटी ऑफ अजायमेर। फिर आते हैं विग्रहराज, इनको विसल देव नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने तोमरों से दिल्ली जो है वो कैप्चर करी 115 CE में, लेकिन उनको अपने बिहाफ पर रूल करने दिया, और इसके बाद उन्होंने जो कैपिटल है वो शाकंभरी सांभर से अजमेर शिफ्ट कर ली। लिटरेचर पेट्रोनाइज किया, और हरकेली नाटक एक फोक फेमस प्ले है, वो इनके द्वारा सॉरी इनको द्वारा लिखा गया। इसके साथ साथ इन्होंने स्ट्रक्चर बनाए बहुत सारे, जिसमें से एक स्ट्रक्चर बहुत मेन था उनका, जिसका नाम आजकल अढ़ाई दिन का झोपड़ा है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था, उसको कन्वर्ट कर दिया गया मस्जिद। फिर विग्रहराज के बाद आते हैं पृथ्वीराज, सबसे फेमस सारे चौहानों के, इनको पृथ्वीराज चौहान या फिर राय पृथौरा कहा जाता है। बहुत सारी जीत जो उन्होंने हासिल की, चंदेल किंग परमार या फिर परमार परमारवल देवक कहा जाता है उन्हें शायद, उनके जो जनरल्स थे आला उदल वगैरह, उनके बारे में काफी ज्यादा बार्डिक लेजेंड्स यहाँ पर हैं, मतलब काफी ज्यादा आला उदल के गीत जो बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। ठीक है, चालुक्य भीम टू और गढ़वाल जयचंद्र, इन सबको उन्होंने हराया। बुंदेलखंड में चंदेल रूलर के खिलाफ उन्होंने महोबा के खिलाफ, उसकी कैपिटल थी, एक्सपीडिशन चलाया, और यहाँ पर जो चंदेल वॉरियर थे आला और उदल वो हार गए। ठीक है, इसके बाद तराइन का जो पहला युद्ध हुआ उसमें मोहम्मद गौरी को उन्होंने हराया, सेकंड तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, और उसके बाद में कई सारी कहानियां आती है, कई कहते हैं कि उन्होंने उस टाइम एग्जीक्यूट कर दिया गया, एंड जो 4 बांस 24 गज अंगुलस्थ प्रधान वाली जो दोहा है वो भी फिर चंद्र प्रदाई के हिसाब से आता है। ठीक है, तो वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, हिस्ट्री में अलग अलग चीजें आती सर। हाँ सर, पृथ्वीराज चौहान के ये भी तो मेंशन है ना सर कि इन्होंने मोहम्मद गौरी को एक बार नहीं पर 17 बार 16 बार हराया और 17th बैटल में हारे थे। हाँ, लेकिन उनको कहा जाता है कि वो छोटी मोटी जो है स्कर्मिशेस हुआ करते थे, झड़पें हुआ करती थी। ठीक है, फुली फ्लेश्ड जो वॉर हुए हैं वो 2 हुए हैं। ओके सर, ओके, दैट इज व्हाट आई हैव यू नो रेड, बाकी मल्टीपल सोर्सेज है, हम थोड़ा यूपीएससी के हिसाब से चलेंगे। ठीक, तो जो उनकी हार थी तराइन पे, ये एक बहुत लैंडमार्क इवेंट था, क्योंकि इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट जो इंडिया का था वो एक तरीके से शुरू हो गया था। ठीक है, तो 2 ग्रेट पोयम पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय, ये चंद्र बरदाई और जयंक, 2 इनके कोर्ट पोएट्स थे, और चंद्र बरदाई उनके चंद्र बरदाई उनके दोस्त भी थे, उनके द्वारा लिखी गई थी। फिर हम नेक्स्ट आते हैं चंदेल और बुंदेलखंड पे। तो चंदेल जो है वो आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं, नागर स्टाइल के जो टेम्पल्स हैं, ओरिजिनल कैपिटल उनकी थी खजुराहो, लक्ष्मण टेम्पल है, ठीक है, लक्ष्मण टेम्पल है, विश्वनाथ टेम्पल है, कंदरिया महादेव टेम्पल है, ये सब चंदेल रूलर्स के टाइम पे हुआ था, जिनका नाम था यशोवर्मन, धंगा और विद्याधरा। इसके साथ साथ बहुत सारे जलाशय, महल, किले वगैरह इन्होंने बनवाए थे, जैसे कि जयपुर दुर्ग जो है अभी अजयगढ़ है, कलांजर जो अभी कलिंजर है, और इनकी जो कैपिटल थी महोत्सव नगर जो अभी
सॉरी जो महोबा नाम से है, ठीक है। द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 9th सेंचुरी CE में उनकी जो डायनेस्टी थी उसको फाउंड किया ननुक ने, ठीक है, जो छोटे से किंगडम के राजा थे, और उन्होंने कैपिटल अपनी कहाँ रखी, खजुरावाहा, जो अभी मॉडर्न डे खजुराहो है। फिर आते हैं परमार ऑफ मालवा, तो बहुत सारी ब्रांचेस इस डायनेस्टी की भी हैं, तो मेन जो ब्रांच है उसने मालवा पे रूल किया, कैपिटल उनकी धार थी, मॉडर्न धार मध्य प्रदेश में। तो जो बाकी बाद के जो परमार थे उन्होंने अपनी कैपिटल है वो मांडव दुर्ग यानी कि मांडू में शिफ्ट कर ली, क्योंकि धार जो था वो उनके दुश्मनों के द्वारा बार बार अटैक्स वहां पे हो रहे थे। तो ये भी पोइट्स और स्कॉलर्स को काफी ज्यादा पेट्रोनेज देते थे, और जो राजा भोज थे वो खुद एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, ठीक है। तो परमार किंग शैव पंथ को फॉलो करते थे, बहुत सारे इन्होंने शिव जी के टेम्पल्स बनवाए, और जैन स्कॉलर्स को भी पेट्रोनाइज करते थे। तो भोज की बात करें, राजा भोज की बात करें, तो इनके रेन में परमारों ने जो है अपना किंगडम नॉर्थ में चित्तौड़ से कोंकण तक फैलाया। साबरमती रिवर को अगर देखा जाए वेस्ट में, वहां से लेके विदिशा तक इनका पूरा रेन था। इन्होंने टाइटल लिया परमेश्वर परमा परम भट्टार का, ठीक है, जो परमार देव का आइडेंटिकल माना जाता है। कुछ मेडिवल मुस्लिम हिस्टोरियंस के हिसाब से कि सोमनाथ को बार बार सैक करने के बाद में, सोमनाथ को बार बार रेड करने के बाद में, कि वहां पर बार बार अटैक करने के बाद में, महमूद और गजनी ने अपना जो रूट है वो परम देव यानी कि भोज जो है उनसे सामना ना हो इसलिए उसने चेंज कर लिया, ठीक है। गजनवीद के खिलाफ जो लड़ाइयां हुई थी उसमें राजा भोज ने आनंद पाल जो राजा थे, इंदुशाही के राजा थे, उनको भी काफी ज्यादा सपोर्ट पहुंचाई थी। इसके साथ साथ जो महमूद के गवर्नर थे हंसी से, थानेश्वर से, बाकी एरिया से, वो इनकी हेल्प से ही निकाले गए थे। हिज राइटिंग्स कवर अ वाइड वेराइटीज ऑफ टॉपिक्स सच एज ग्रामर, पोएट्री, आर्किटेक्चर, योग और केमिस्ट्री, आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस वगैरह, इन सबको उन्होंने पैटर्नाइज किया। भोजशाला जो है वो उन्होंने, इट वॉज अ सेंटर फॉर संस्कृत स्टडीज, ठीक है। यहाँ पर सरस्वती माता का मंदिर है, धार में है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक मॉस्क भी बना दी गई है इसको तोड़ के, तो अभी ये जो एरिया है ये कोर्ट में चलता है पूरा, ठीक है। कोर्ट डिसाइड करता है कि भाई साल में एक बार जो है वो हिंदुओं को बसंत पंचमी के दिन पूजा करने को मिलेगी, लेकिन अगर उस दिन भी शुक्रवार पड़ जाएगा तो फिर शायद कुछ घंटे की उनको मोहलत दी जाएगी पूजा करने के लिए। सो दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द भोजशाला। फिर आते हैं सोलंकी राजपूतों की तरफ, गुजरात की तरफ। बहुत सारी इनकी भी ब्रांचेस थी, लेकिन तीन ब्रांच सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट थी। इनकी थर्ड ब्रांच जो थी, सॉरी हाँ, थर्ड ब्रांच इनकी सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट थी, थर्ड ब्रांच थी उसको मूलराज फर्स्ट ने फाउंड किया। इनकी कैपिटल थी अनहिला पटाका या फिर अनहिलवाड़ा, ठीक है, जो अभी पाटन गुजरात के आइडेंटिकल है। तो मूलराज के जो ग्रैंडसन थे वो मूलराज के बाद में इम्पोर्टेंट रूलर बने, उनका नाम था भीम वन। इनके रेन के दौरान महमूद ऑफ गजनी जो है वो गुजरात में बार बार आया, और उसने सोमनाथ मंदिर को बार बार प्लंडर किया। इन्होंने जो मोडेरा का सन टेम्पल है वो बनवाया। इनकी जो वाइफ है वो उदयमती, उन्होंने रानी की वाव, जो क्वीन स्टेपवेल कई मूवीज में दिखा चुके हैं, वो बनवाया उनकी मेमोरी में, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी आती। इसके बाद भीम 2 भी आए। भीम 2 ने मोहम्मद गौरी को एक दो बार उन्होंने भी हराया, ठीक है, उनका क्लैश जो था वो पृथ्वीराज चौहान से भी हुआ। फिर आते हैं तोमर, तो तोमरों ने जो है सबसे पहले अपना किंगडम जो है नॉर्थ ईस्ट में बसाया। चौहान जो शाकंभरी के चौहान थे उनके नॉर्थ ईस्ट यानी कि दिल्ली हरियाणा के पास इन्होंने अपना किंगडम बसाया। जो तोमर्स हैं उन्होंने हरियाणा को रूल किया, उनकी कैपिटल थी दिलिका, दिल्ली को पहले, एक सेकेंड, उनकी जो कैपिटल थी वो थी दहलिका यानी कि दहली, वहां पर उन्होंने रूल किया। इट इज बिलीव दैट दहली वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय तोमर्स इन 736 AD। तो मेडिवल बार्डिक लिटरेचर के हिसाब से डायनेस्टी होती थी तंवर, ठीक है, और इनको 36 राजपूत क्लैंस में से एक माना गया है। 13th सेंचुरी पालम बाउली स्टेपवेल जो है उस इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है, द लैंड ऑफ हरियंका, सबसे पहले यानी कि हरियाणा सबसे फर्स्ट एंजॉयड बाय तोमर्स, देन बाय चौहान्स, देयर आफ्टर बाय शाकास, दैट इज द दिल्ली सुल्तान्स। तो आयरन पिलर जो मेहरौली पे है उसमें 11th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन है, जिसमें एक बहुत फेमस तोमर डायनेस्टी के किंग अनंग पाल तोमर की बात की गई है, जिन्होंने दिल्ली को स्टेब्लिश किया था। उनके जो कॉइन्स हैं उनमें हॉर्समैन और बुल फिगर के बारे में मेंशनड है, एंड बियर द टाइटल श्री समंत देव, ठीक है। ये कॉइन्स जो है वो शाकंभरी चौहान, किंग सोमेश्वर और पृथ्वीराज थर्ड के काफी मतलब आइडेंटिकल है, सिमिलर है उनसे, तो ये इंडिकेट करते हैं कि जो अनंग पाल है वो इनके कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन थे। फिर नेक्स्ट हम आते हैं किंगडम ऑफ कश्मीर पे, ठीक
तो जो हिस्ट्री है कश्मीर की, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट इंडिया की, ये जनरली लेजेंडरी और हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है जिसका नाम है राज तरंगिणी, मतलब द रिवर ऑफ द किंग्स, वहां से लिया गया है। ये 12th सेंचुरी के करीब संस्कृत में कश्मीरी ब्राह्मण जिनका नाम है कलहन, उन्होंने लिखी थी। अर्ली 7th सेंचुरी में करकोटा डायनेस्टी जो रूलर्स थे उन्होंने कश्मीर में रूल एस्टेब्लिश किया अपना। करकोटा डायनेस्टी को फाउंड किया दुर्लभ वर्धन ने, ठीक है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पुष्य विभूति किंग हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दौरान ही केरुविन के रेन के दौरान करकोटा डायनेस्टी का फाउंडेशन हुआ। और करकोरा एम्परर, करकोटा जो एम्परर्स थे वो प्राइमरली हिंदू थे, उन्होंने बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स बनवाए अपनी कैपिटल परिहासपुर में। बुद्धिज्म को भी पेट्रोनाइज किया उन्होंने, स्तूप बनवाए, चैत्य बनवाए, विहार बनवाए, जो अभी श्रीनगर में कई जगह वहां पर आप कैपिटल रूम्स में देख सकते हो। फिर नेक्स्ट आते हैं ललितादित्य मुक्ता, ये उनका फिर मुक्तापेद नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने मार्तंड सन टेम्पल अनंतनाग में बनवाया, बहुत बड़ा और अच्छा ब्यूटीफुल टेम्पल कॉम्प्लेक्स था ये, ठीक है। ओल्डेस्ट नोन सन टेम्पल इन इंडिया एंड ऑल्सो वॉज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्सेज ऑफ दैट टाइम। इसको भी जो है इस्लामिक इन्वेडर्स ने तोड़ फोड़ के नष्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट गोहिल्स ऑफ मेवाड़, तो ये जो डायनेस्टी थी इसको एक्चुअली में फाउंड किया था गोहदत्त ने, ठीक है। छोटी सी प्रिंसिपैलिटी थी, छोटी सी जागीर थी इनके उदयपुर के पास में। और इसके जो इलस्ट्रियस रूलर कहे गए हैं वो थे बप्पा रावल। वैसे तो वो 9th रूलर थे सक्सेशन में, लेकिन क्योंकि उनका रूल बहुत ज्यादा था तो कई लोग ये सोचते हैं कि बप्पा रावल ने ही जो है मेवाड़ डायनेस्टी की या गोहिल्स ऑफ मेवाड़ की फाउंडेशन किया था, लेकिन वो 9th थे, लेकिन उनका रूल बहुत बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था। उन्होंने मेवाड़ को अरब से रिकैप्चर किया, इसीलिए उनको रियल फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी बोला जाता है। जो सिसोदियास थे उनको 12th सेंचुरी में प्रोमिनेंस मिलना स्टार्ट हुई, और मेवाड़ जो था वो राजपूताना के अंदर मोस्ट पावरफुल किंगडम इमर्ज होके आया। लेकिन जो राणा रतन सिंह थे उनको हरा दिया गया अलाउद्दीन खिलजी ने, और मेवाड़ को द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया। फिर नेक्स्ट आते हैं पाल्स ऑफ बंगाल। तो जो पाल्स हैं वो बेसिकली ये जो कन्नौज वाला इलाका था, यहाँ के लिए उनकी लड़ाई होती थी प्रतिहारों से, राष्ट्रकूटास से, ठीक है। लेकिन बंगाल का जो पूरा एरिया था यहाँ पर उन्होंने पूरा साम्राज्य बनाया। इसके साथ साथ उन्होंने बुद्धिज्म को पैटर्नाइज किया, ठीक है। बुद्धिस्ट लर्निंग, लिटरेचर, रिलीजन, फाइन आर्ट्स, इन सबको उन्होंने पैटर्नाइज किया। जो भी बुद्धिज्म की ग्रोथ में सपोर्ट हो सकता था वो उन्होंने दिया। तांत्रिक सेक्ट जो है वो इनके अंडर में ही फला फूला है, ठीक है। और जो यूनिवर्सिटी है विक्रमशिला की वो भी इनके सपोर्ट के साथ ही रखी गई। फिर अब हम आते हैं अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। तो देखो इसको अच्छे से सुनना, अरब्स ने क्या किया कि बहुत ज्यादा अटेम्प्ट्स किए कि भाई सिंध के ऊपर हम अपने कंट्रोल को रख सकें, हम वहां पर अटैक कर सकें, सब कुछ कर सकें। लेकिन पहला जो उनका अटेम्प्ट था वो 636-637 AD में हुआ अंडर द गाइडेंस ऑफ खलीफा उमर, लेकिन वो फेल हो गया। 711 AD में खलीफा अब्दुल्ला ने दोबारा सिंध को कैप्चर करने का ट्राई किया, लेकिन राजा दाहिर ने उनको हरा दिया। 712 AD में क्या किया, खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम नाम के बंदे को भेजा। उसने क्या किया कि वहां के जो बुद्ध थे और भी बहुत सारे लोग थे उनकी हेल्प से दाहिर को हरा दिया, ठीक है। दाहिर उस टाइम सिंध के रूलर थे और अच्छी खासी लड़ाई हुई इनके, दाहिर को हरा दिया। और सिंध के लोगों को स्टेटस दिया गया वो जिम्मीज का दिया गया, जिसे आजकल हम धिम्मीज नाम से जानते हैं। यहाँ पर लिखा गया है प्रोटेक्टिव सब्जेक्ट्स, लेकिन एक्चुअली में उसका मतलब प्रोटेक्टिव सब्जेक्ट नहीं होता है, उसका मतलब ये होता है कि इफ यू आर लिविंग इन द इस्लामिक रूल देन यू विल बी सब स्टैंडर्ड सिटीजन, मतलब यू विल हैव टू पे, यू विल हैव टू, यू नो, आपको बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारी माननी पड़ेंगी, ठीक है। आप हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आपको पूजा का अधिकार नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज थी। तो ये जिम्मीज का जो है उनको स्टेटस दिया गया सिंध के लोगों को, बट द मुस्लिम्स कुड नॉट एक्सपेंड द अथॉरिटी फर्दर इनटू इंडिया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पावरफुल प्रतिहार किंगडम। तो जो भोज का किंगडम था, जो प्रतिहार किंगडम था उससे पहले वाला, नागभट जो थे उनकी वजह से वो अपना एक्सपेंड है वो ज्यादा नहीं कर पाए, ठीक है। तो तकरीबन 400-500 साल तक फिर शांति बनी रही। फिर इंडियन मेडिसिन और जो एस्ट्रोनॉमी थी वो अरब्स काफी दूर दूर तक ले गए। इंडियन जो न्यूमेरिक्स थे वो अरेबिक फॉर्म में यूरोप तक गए, ठीक है। सिंध जो पार्ट अरब एम्पायर का पार्ट हो चुका था, तो इंडियन की जो नॉलेज की इनफ्लो थी वो काफी ज्यादा हो गई थी भाई, यहां से मतलब वेस्टर्न साइड तक जा रही थी।
बहुत सारी थ्योरीज हैं जो प्रिवलेंट हैं कि भाई कॉन्क्वेस्ट सिंध का कैसे हुआ अरब्स के द्वारा। रियल फैक्टर्स जो हैं वो ये कि अरब्स विच मोटिवेटेड द अरब्स टू एस्टेब्लिश देयर कंट्रोल ऑन सिंध वाज टू स्प्रेड द इस्लाम। सबसे पहला तो रूल यही था कि भाई हमें इस्लाम का परचम लहराना है, और इसके साथ साथ सिंध और जो बाकी के एरिया थे इंडिया के, ये बहुत ज्यादा रिच हुआ करते थे, तो भाई यहाँ से जितना ज्यादा लूटना है उतना लूटना है। ठीक है, तो सिंध का कंक्वेस्ट हुआ, उससे क्या हुआ कि सिंध में इस्लाम की नींव पड़ गई, और इसकी वजह से जो बुद्धिज्म वगैरह है उन सबका डिक्लाइन हो गया। अरब स्कॉलर्स ने यहाँ से इंडियन फिलोसफी सीखी, मैथमेटिक्स सीखा, एस्ट्रोनॉमी सीखी, मेडिसिन वगैरह सीखी, ये सब ब्राह्मणों और बुद्धिस्ट स्कॉलर्स इन्होंने सीखी। जो न्यूमेरिकल सिस्टम यूरोपियंस ने अरब से सीखी है वो ओरिजिनली अरब ने इंडियन से सीखी थी। ये अरेबियन न्यूमेरिकल्स को अभी तक हिंदशाही कहा जाता है। बहुत सारी इंडियन बुक्स थी जैसे कि मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, फिलोसफी में, ये सब अरेबियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई। बहुत सारी जो बुक्स ट्रांसलेट की गई उनमें सूर्य सिद्धांत थी, संहिताज और चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और पंचतंत्र वगैरह थी। इसके साथ साथ अरब्स को डेसिमल्स और जीरो की जो नॉलेज है वो भी इंडियन से हुई। इन्होंने शतरंज का खेल और दास्तान यानी कि कहानी लिखने की जो कला है वो भी इंडियन से सीखी। इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चरल प्रैक्टिसेस जो है उसमें भी अरेबियन आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट किया। जो मंदिर का डोम होता है वो इस्लामिक मॉस्क और टॉम्स का जो है वो गुम्बद की तरह शेप उसने ले लिया। इंडियन जो टॉवर होते थे, जो स्तंभ खड़े किए जाते थे, विक्ट्री के टॉवर्स खड़े किए जाते थे, वो भी अरब्स ने एक्सेप्ट कर लिए और फाउंड मैनिफेस्टेशन इन द फॉर्म्स ऑफ मिनारेट्स ऑफ मॉस्क। तो मस्जिदों की जो मीनारें होती थी उनका जो इन्फ्लुएंस था वो भी यहाँ से दिया गया। द इंडियन फिलोसफी ऑल्सो इन्फ्लुएंस द अरेबियंस। इंडियन फिलोसफी ने अरेबियंस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। जो थ्योरी है ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल, उसकी वजह से कई सारे मिस्टिकल सेक्ट्स से इस्लाम में उनका जन्म हुआ। फिर आते हैं तुर्क। तो भाई 400-500 साल तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। 9th सेंचुरी AD में क्या हुआ कि जो अब्बासिद खलीफा एम्पायर था वो खत्म होने लगा। तो जो तुर्किश गवर्नर थे उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट किंगडम्स बनाए, और जो खलीफा जो था वो एक सिर्फ रिचुअल यानी सेरेमोनियल पोजीशन रह गई। उनमें से एक गवर्नर था अल्पतिगिन, उसकी कैपिटल थी गजनी, उसका सक्सेसर था उसका दामाद सबुकतिगिन, जो इंडिया को नॉर्थ वेस्ट से मतलब उसी एरिया से कवर करना चाह रहा था। उसने सबसे पहले क्या किया, जयपाल को हराया और उनसे पेशावर कब्जे में लिया। लेकिन उसकी रेड्स जो थी उससे कोई सक्सेसफुल इफेक्ट नहीं आए, तो उसका जो बेटा था महमूद ऑफ गजनी, ठीक है, उसने ये रेड्स वगैरह स्टार्ट की। तो तकरीबन 17 बार उसने इंडिया में रेड्स की हैं। उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया जो था वो बहुत सारे छोटे छोटे हिंदू स्टेट्स में डिवाइडेड था, तो उसकी वजह से उसने तकरीबन 17 रेड इंडिया में की और यहाँ की बहुत सारी वेल्थ जो है लूट के चला गया। तो ऐसा कहा जाता है ही ऑल्सो पैटर्नाइज आर्ट एंड लिटरेचर। फिरदौसी जो था वो महमूद के कोर्ट में पोइट लॉटरेट था और उसके लॉटरेट था, और उसके साथ साथ फिरदौसी वॉज द ऑथर ऑफ सहानामा, ठीक है। अल बरेनी नाम का बंदा था, वो भी महमूद के कोर्ट में था, और उसने किताब लिखी किताबे हिंद, जो उसका इंडिया में उसने देखा वो सब उसने किताबे हिंद में लिखा। तो उसके बाद 100-150 सालों बाद फिर इन्वेशन हुआ मोहम्मद गौरी का। तो गौरी जो थे वो सबसे पहले गजनीज के अंडर में हुआ करते थे, लेकिन महमूद की डेथ के बाद में वो क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट हो गए। तो गजनवी एम्पायर धीरे धीरे खत्म होने लगा। मुइजुद्दीन मोहम्मद, जिसको मोहम्मद गौरी बोला जाता है, उसने वो गजनी उसके कंट्रोल में आ गया। उसने अपनी गजनी पे पोजीशन सिक्योर की और फिर अपना जो स्टैंड है वो इंडिया की तरफ फेस किया। तो महमूद अब गजनी की तरह वो सिर्फ इंडिया को कनकर करके, मतलब उसका वेल्थ वगैरह लूट के नहीं जाना चाहता था, वो इंडिया को कनकर करके अपना एम्पायर है वो एक्सटेंड करना चाहता था। तो 1175 में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान को कैप्चर किया, फिर सिंध को कैप्चर किया अपने सब्सिक्वेंट एक्सपीडिशन में, और फिर उसकी लड़ाई, उसकी बैटल हुई बैटल ऑफ तराइन सबसे पहली, ठीक है। तो पहली बैटल में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, दूसरी बैटल में पृथ्वीराज चौहान को उसने हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद में मोहम्मद गौरी जो था वो गजनी लौट गया और अपने एक फेवरेट जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को फर्दर कॉन्क्वेस्ट के लिए इंडिया में छोड़ गया। ऐबक ने क्या किया, सबसे पहले अपनी प्लेस को कंसोलिडेट किया, स्ट्रेंथन किया, दिल्ली और मीरठ जैसे इलाकों को अपने कंट्रोल में लेके, और 1193 में उसने फिर से मोहम्मद गौरी के इन्वेंशन के लिए अच्छा खासा मतलब ग्राउंड वर्क तैयार कर दिया। तो इस बार का जो इन्वेंशन था वो गढ़वाल रूलर जयचंद्र के खिलाफ था। कन्नौज जो था वो मुस्लिम से चंदावर की लड़ाई के बाद में कब्जे में कर लिया। तो बैटल ऑफ तराइन और चंदावर जो थी उसकी वजह से तुर्किश रूल है इंडिया में वो काफी हद तक कंसोलिडेट हो पाया। कोई डाउट अभी तक? सर, अभी अपन ने पीछे जो 2.5 दिन का झोपड़ा पढ़ा था सर, काफी उसमें लिखा हुआ है कि 2.5 दिन का झोपड़ा वगैरह जो है वो इसके रिजीम में कंस्ट्रक्ट हुए थे। ही कंस्ट्रक्टेड टू मॉस्क हुआ तो इसके इस्लाम एंड 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर।
किसके रजीम में? इसके सर कुतुबुद्दीन ऐबक। यार ये लोग रेगिस्तान से आए थे, इनके यहाँ कुछ भी आर्किटेक्चर नहीं था, और यहाँ आके ये एकदम से वास्तुकला के मतलब जानकार हो गए। इन्होंने कुछ नहीं किया भाई, कुछ अच्छे खासे मंदिर खड़े रहते थे, उन मंदिरों पे बहुत नक्काशियां वगैरह हुआ करती थी, बढ़िया एकदम मस्त बने हुआ करते थे। ये वाला पोर्शन हटा के वो उसको ऐसा बना देते थे। अभी भी अगर आप मेजर 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया, चाहे आप कुतुब मीनार चले जाओ, ठीक है, वहां पर आप पूरा जैन कॉम्प्लेक्स का, टेम्पल्स का कॉम्प्लेक्स देख सकते हो जो बिखरा हुआ है, सीढ़ियों में मूर्तियां लगी हुई हैं आसपास। इवन ASI ने भी इस चीज को माना है कि ये उनके बनाए गए हैं। तो जो कुतुब मीनार है, इट वॉज एक्चुअली वरुण स्तंभ, ठीक है, ये वरुण स्तंभ हुआ करता था, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग, जहां तक मेरी नॉलेज है, ये चीज मैं मानता हूँ, बाकी यू पीपल आर फ्री टू बिलीव एनीथिंग, लेकिन जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग वो ये है। तो जितने भी बोल रहा अच्छे था अच्छे यहाँ पर स्ट्रक्चर्स रहे हैं, चीजें रही हैं, मंदिर रहे हैं, इन सबको तोड़ के इनके ऊपर जो है बस एक गुम्बद खड़ा कर दिया गया, एंड देन इट वॉज टोल्ड कि भाई ये इन्होंने बनवाया। तो सर आप किसको मान लेंगे? क्योंकि सर ऑल इंडिया में भी यही है, लूसेंट में भी देख लो तो एग्जाम के नहीं लिए UPSC को मानो, बाकी आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग, आप समझदार हैं क्या, आपको यकीन करना है। सर, ये 2.5 दिन का झोपड़ा वाला फैक्ट है ना सर, ये इस तो मैं बोलता रहा हूँ पूछ ये रहा हूँ वाला किसे, फैक्ट है, क्योंकि अगर ऑप्शन ऑप्शन में आता है तो आप भाई कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह कोई करेंगे, ठीक है। ओके ओके सर ओके, क्योंकि तो अब पीछे अपन ने आपको सिलेक्ट करा। तुर्किश इन्वेंशन के क्या इफेक्ट्स हुए? तो सबसे पहले पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ की तरफ देखा जाए, तो इक्ता सिस्टम जो है वो तुर्क्स ने इंट्रोड्यूस किया। ये सिस्टम था कि जो नोबल्स हैं, जो दरबारी हुआ करते थे, उनको जमीनें बांट दी जाएं, उनको नाम दिया जाता था इक्तादार। इक्तादार एडमिनिस्ट्रेटिव, लैंड रेवेन्यू, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखा करते थे। इसके साथ साथ जो शरीयत का सिस्टम था, वो भी तुर्कों ने इंडिया में लाया। इम्पैक्ट इनका मिलिट्री सिस्टम पे क्या रहा कि अभी तक क्या होता था कि भाई जो क्षत्रिय थे वो ही लड़ाई किया करते थे, बाकी लोगों का क्या कहना था, भाई लोगों बाकी लोगों का कहना होता था कि भाई कोई क्या बोलते हैं, कोई होवे नृप हमें कहानी, ठीक है। ये बेसिकली तुलसीदास जी की एक पंक्ति है, इसका ये मतलब होता था कि भाई राजा कोई भी हो हमें क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि देखो मैं अगर रियल सिनेरियो बताऊं, तो जनरली इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट से पहले ये होता था कि भाई एक राजा ने दूसरे राजा पे अटैक किया, उसने युद्ध कहीं बाहर हो रहा है, नगर में कोई लूटपाट नहीं हो रही है, किसी के साथ कुछ नहीं हो रहा है, कोई रेप नहीं हो रहे हैं, दास नहीं बनाया जा रहा है, जनरली बस ट्रांसफर ऑफ पावर होता था, सिंहासन पे कौन बैठा है वो चेंज होता था। इसीलिए ये कहावत बन गई कि कोई होवे नरक हमें कहानी, कि जनरल जनरल जो जनता थी उनका ये मानना था भाई राजा कोई भी हो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, हम अपनी खेती बाड़ी करेंगे, हमारे खेत नहीं जलाए जाएंगे, हमारी दुकानें नहीं लूटी जाएंगी, हमारी स्त्रियों का बलात्कार नहीं होगा। लेकिन इस बेसिस पे क्या होता था, अलग अलग वर्ण के हिसाब से अलग अलग रूल्स डिवाइड थे, क्षत्रिय ही लड़ाई किया करते थे। लेकिन जब टर्किश इन्वेंशन कॉन्सोलिडेट हो गया इंडिया में, तो फिर होना क्या हुआ कि इन लोगों ने जो फाइटिंग वो है वो एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप तक सीमित नहीं रखी, अब कोई भी आर्मी में आ सकता था, क्योंकि इनको संख्या बल बढ़ाना होता था, ठीक है। ये कैवलरी पे यानी कि घोड़ों पे ज्यादा डिपेंडेंट होते थे, तो जो एलिफेंट फोर्स का पहले यूज होता था वो अब धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। सोशियो कल्चरल राइट्स की लाइफ की बात करें, तो एक सिंक्रेटिक इंडो इस्लामिक कल्चर है, मतलब मिला जुला जो सभ्यता या कल्चर है वो उसने डेवलपमेंट लेना स्टार्ट किया। जो एग्लिटेरियन कैरेक्टर था इस्लाम का, वो उसकी वजह से भक्ति मूवमेंट के बहुत सारे लीडर्स हैं वो भी इन्फ्लुएंस्ड हुए, बहुत सारे सूफी सेंट्स जो हैं वो इंडिया में तुर्किश इन्वेडर्स के साथ में है, ठीक है। तो क्या बोलते, तुर्क्स ने जो किया वो पर्शियन लैंग्वेज लेके आए, ठीक है। दे पेट्रोनाइज टू पर्शियन एडवर्सली अफेक्टेड द पॉपुलरिटी ऑफ संस्कृत, इसकी वजह से संस्कृत जो लैंग्वेज है वो भाई डिक्लाइन हो गई इंडिया में। इस्लामिक आर्किटेक्चर लेके आए वो इंडिया में, इनका आर्किटेक्चर जो उसमें आर्चिस होते थे, मीनार होती थी, डोम्स वगैरह होते थे, ठीक है, कॉलम्स और बीम्स वगैरह, ये सब इंक्लूड किया गया इंडियन आर्किटेक्चर में। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट आता है भाई आपका, दहली सल्तनत, दहली सुल्तान। तो 5 डिफरेंट डायनेस्टीज हैं, उन्होंने दिल्ली सल्तनत में राज किया, इनको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। सबसे पहले स्लेव या इलवारी डायनेस्टी, फिर खलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर जो भी है आपको याद होने चाहिए, कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्लेव डायनेस्टी यानी कि ममलूक सुल्तान की, हाँ ममलूक। सर, हाँ जी हाँ सर, एक स्लाइड पीछे जाइए सर, जो डेडलाइंस दिए गए हैं सर वो याद रखने हैं क्या सर? ये ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ऑर्डर आपको याद रखना है। सर ये जो 12.6 से लेके 12.90 सर, ये याद नहीं रखने? ये ज्यादा याद नहीं रखने, नहीं पूछे जाते इतने, ठीक ओके सर।
ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड आता है ममलुक, तो अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है ओन। ठीक है, ये उन स्लेव्स के लिए यूज किया जाता था जो मिलिट्री सर्विस के लिए ज्यादा जरूरी होते। तो इनमें सबसे पहले आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। तो एक तुर्किश स्लेव था मोहम्मद गौरी का, जिसने तुर्किश सल्तनत को इंडिया में काफी ज्यादा फैलाया तराइन की बैटल के बाद में, और ये इंडिया का गवर्नर बन गया, मतलब गौरी के बिहाफ पे। टाइटल लिया सुल्तान का, लाहौर इसकी कैपिटल थी, और किसी तरह के कोई सिक्के इसने जारी नहीं किए। अब हुआ क्या कि क्योंकि जो स्लेव्स थे वो इंडिपेंडेंटली कोई भी एरिया ओन नहीं कर सकते थे, तो गौरी ने एक मंसूर जारी करवाया और कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने उससे स्लेवरी से मतलब हटा दिया कि भाई अब आप जो है अब आप फ्री हो और अब आप जगह है वो है एक्वायर कर सकते हो। तो इसको लख वक्श का टाइटल भी दिया गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा तानवीर था, और इसके साथ साथ उसने इंडिया की पहली मॉस्क कुब्बतुल इस्लाम दिल्ली में बनवाई। कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है ये भाई साहब ने स्टार्ट करवाया सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मेमोरी में, जो बाद में इल्तुमिश ने कंप्लीटेड करवाया। नेक्स्ट रूलर आता है इल्तुमिश। इल्तुमिश भी इलबायरी डायनेस्टी ट्राइब को बिलोंग करता था, इसीलिए इस डायनेस्टी को इलबायरी डायनेस्टी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुमिश को पहले ग्वालियर का इक्तदार जो है वो बनाया, आराम शाह जो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था उसको उसने हटाया और शमसुद्दीन नाम से सुल्तान बन गया। अपनी कैपिटल लाहौर से दिल्ली में ट्रांसफर की और दिल्ली सल्तनत को एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाया। उन्होंने ऑर्गेनाइज की तुर्कन ए चहलगिनी, मतलब उन्होंने 40 पावरफुल मिलिट्री लीडर्स से उनकी एक सभा बनाई, उनको कहा गया तुर्कन ए चालिगिनी। ये तुर्किश अमीर हुआ करते थे जो सुल्तान को हेल्प किया करते थे, एडवाइस किया कर सकते थे कि अपनी सल्तनत को कैसे चलाना। तो सबसे पहले अरेबिक कॉइनेज जो थे वो जारी किए गए सिल्वर टंका के तौर पे, जिनका वेट होता था 175 ग्राम, जो अभी मॉडर्न रुपी और कॉपर जो जित्तल वगैरह इंट्रोड्यूस हुए हैं उनका फाउंडेशन समझ लो। रजिया सुल्तान को अपनी सक्सेसर डिक्लेयर किया, और मिनहाज आ सिराज एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने तबाकत ए नसीरी इसकी पेट्रोनर्स में लिखी। फिर रजिया सुल्तान का जो रेन था बहुत ज्यादा शॉर्ट रहा, कुछ खास उसका इम्पैक्ट नहीं रहा। उसके बाद बंदा आया बलवन। बलवन जो था वो चिल्हागनी जो तुर्क थे, जो 40 का चालीसा था उसका एक पार्ट था। ठीक है, उसने ईरानियन थ्योरी ऑफ किंगशिप को फॉलो किया। ईरानियन थ्योरी के हिसाब से जो राजा है वो या तो डिवाइन है, सेमी डिवाइन है कैरेक्टर में, मतलब वो सिर्फ खुदा के लिए अनसरेबल है, उसके बीच में कोई भी इंटरमीडिएटरीज नहीं आएंगे, कोई रिलीजियस फिगर्स नहीं आएंगी। उसने खुद को कहा सुल्तान वॉज द शेडो ऑफ गॉड जिल्ले इलाही, मतलब वो खुदा की ही परछाई है। उसको ये पता था कि भाई जो असली थ्रेट है मोनार्की को वो इन्हीं नोबल्स के द्वारा है जिनको तुर्कन ही चालिगिनी कहा गया है। तो इल्तुमिश की फैमिली के सारे मेंबर्स को मरवाया, और चहलगिनी के धीरे धीरे उसने क्या किया, उनको भी खत्म करना स्टार्ट कर दिया। बहुत रेसिस्ट आदमी था, नॉन तुर्क को एडमिनिस्ट्रेशन में बिल्कुल नहीं रखा। इंडियन मुस्लिम्स वर नॉट गिवन इंपॉर्टेंट पोस्ट इन द गवर्नमेंट। रिगरस कोर्ट डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस किया, नए कस्टम्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे सजदा प्रोस्टेशन कि भाई आपको मेरे सामने आना है तो आपको सजदा करना पड़ेगा, पाइबोस किसिंग द सुल्तान स्ट्रीट आपको मेरे पास आना है तो आपको मेरे पैर चूमने पड़ेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ पर्शियन फेस्टिवल था नौरोज का, वो भी इंट्रोड्यूस किया, और अमीर खुसरो जो था वो इसके अंडर में ही इसके कोर्ट में ही था। ठीक है, सोल्जर्स जो थे उनको दुआब वाले इलाके में, गंगा वाले इलाके में इकता दिए जाते थे, मतलब लैंड ग्रांट्स किए जाते थे सैलरी की जगह, और हॉर्सेस और एलिफेंट्स को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस बलबन ने दी। बलबन के खत्म होने के बाद में बलबन के अंडर में ही जलालुद्दीन खिलजी जो नाम का बंदा था, वो एक छोटी मोटी मतलब अलग अलग जागीर वगैरह हुआ करती थी इनकी। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि फाउंडेशन रखी खिलजी डायनेस्टी की, और तकरीबन 6 साल तक रूल किया। इसके बाद सर इसका भतीजा, हाँ जी बोलिए। सर बलबन में सर एक 40 करके भी कुछ था ना सर, के कुछ 40 पावर होती थी, वो पावर को इसने रिस्टोर किया था या मतलब कुछ ये डिस्ट्रॉय किया क्या था, वो बता रहा हूं 40 क्या मैं, है ये क्या बता रहा हूं मैं तब से, नोवल्स ये 40 वाली है सर? नोवल्स कॉल्ड द 40, और कौन से 40 इसमें अलग होंगे, तुर्कन ए चहलगनी, कालीसा, 40, ओके सर, ध्यान दो समझ करा। गया सर। सर ये फिर वो चाल की इमेजिनेशन इमेजिनेशन एकदम चल रही वही होगी ना। ठीक है,
तो क्या हुआ कि भाई जलालुद्दीन खिलजी का जो भतीजा था और वही उसका दामाद था, वो उसने सिंहासन पे आ गया, वो उसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। तो जो मिलिट्री कंक्वेस्ट है अलाउद्दीन खिलजी की, वो गुजरात, राजपूताना, दक्कन तक है, ठीक है। सुल्तान जो था वो अनपढ़ था, तो अमीर खुसरो, अमीर हसन जो दहलवी थे, वो भी इसके कोर्ट में थे। अलाई दरवाजा, हौज खास, अलाई मीनार, जमैत खाना मॉस्क, ये सब उसने बनवाए। सिकंदर ए आजम का जो है वो उसने टाइटल लिया, सिकंदर ए आजम या फिर सिकंदर ए सानी, के मतलब सिकंदर के समान। और अमीर खुसरो को टाइटल दिया तूती ए हिंद, यानी कि पैरेट ऑफ इंडिया का, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू फिक्स लैंड रेवेन्यू इन कैश, लैंड रेवेन्यू ऑफ कैश में दिया जाने लगा था। हिज थ्योरी ऑफ किनशिप वॉज सेक्युलर एंड ही प्रोक्लेम किनशिप नोज नो किनशिप, कि मतलब राजा का कोई भाई बंधु नहीं। मिलिट्री रिफॉर्म्स लाए बंदे ने कुछ, पहला सुल्तान था जिसने लार्ज परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी रखी, उनको कैश में पे करता था। एक चेहरा और दाग का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, चेहरा मतलब जो हुलिया, हर सोल्जर का डिस्ट्रिक्टिव होलिया के बेसिस पे उसके रिकॉर्ड्स रखे गए, और जो हॉर्सेस होती थी उनको दाग दिया जाता था, मतलब उनकी ब्रांडिंग की जाती थी। मार्केट रिफॉर्म्स में, क्योंकि भाई इसको बड़ी अपनी सेना रखनी थी, इसीलिए ही लोअर्ड एंड फिक्स्ड द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज ऑफ डेली यूज। चार डिफरेंट मार्केट्स दिल्ली में इस्टेब्लिश किए, ग्रेन मार्केट, अनाज मंडी, क्लोथ और ग्रोसरीज मार्केट, सराय अडल, ठीक है, मार्केट फॉर हॉर्सेस, स्लेव्स, कैटल्स वगैरह, और मार्केट फॉर मिसलेनियस कॉमोडिटीज। हर मार्केट एक सुपरिटेंडेंट के अंडर में रहता था, जिसको शहाना या मंडी कहा करते थे, जो जनरली एक इंटेलिजेंस ऑफिसर हुआ करता था, सॉरी ओ इसके साथ एक इंटेलिजेंस ऑफिसर असिस्टेंट रहता था। लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो पहला सुल्तान था दिल्ली का जिसने लैंड के मेजरमेंट की बात कही थी। लैंड रेवेन्यू पहले कैश में कलेक्ट किया जाता था, और सुल्तान क्या करता था, उससे सोल्जर्स को कैश में ही पे करता था। स्टेट ऑफिशियल्स मेजर्ड द कल्टिवेटेड लैंड, और उसके हिसाब से लैंड रेवेन्यू जो है लगान फिक्स कर दिया करते थे। विश्व जो था वो स्टैंडर्ड यूनिट थी मेजरमेंट की। स्टेट ये डिमांड करता था कि भाई जितना भी तुमने प्रोड्यूस किया है उसका 1/5 हमें चाहिए। इसके साथ साथ हाउस टैक्स भी लगेगा, ग्रही और पास्चर टैक्स चरी, ये भी इम्पोज किए गए थे। बट हेडमैन सेस किस्मत खुरी वॉज अबोलिश्ड। ही सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन एंड इवन कन्फिस्टिकेटेड रिलीजियस एंडोयमेंट्स एंड फ्री लैंड, जो भी फ्री लैंड बांटे गए थे पहले इनाम और बख्त के अंडर में, वो उसने वापस ले ली। फिर नेक्स्ट फॉलोड होती है थर्ड डायनेस्टी, दैट इज तुगलक डायनेस्टी। इसका फाउंडर था गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। ये पहला सुल्तान था जिसने टाइटल लिया था गाजी या फिर स्लेयर्स ऑफ इन्फिडल्स। इन्फिडल्स मतलब काफिर, काफिर मतलब जो जो मूर्तियों की पूजा करते हैं या फिर जो इस्लाम में नहीं मानते। तो पहला सुल्तान था जिसने इरिगेशन वर्क्स को स्टार्ट किया। तुगलकाबाद जो दिल्ली के पास में है वहां पर किला बनवाया। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के साथ में इसके जो रिश्ते थे वो काफी अप एंड डाउन में चलते थे। अपना जो बेटा था जौना खान, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, उसको वारंगल भेजा था ककतियास डायनेस्टीज के पास में, मदुरई पांड्यास के साथ में, ताकि वो उन इलाकों को जीत पाए। तो उसका बेटा जौना खान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक उसके बाद में आया। इसके रेन के दौरान जो इब्न बतूता है वो इंडिया में आया 1334 में, और दिल्ली का काजी वो तकरीबन 8 साल तक रहा, इब्न बतूता, ठीक है। तो अपने लास्ट डेज के दौरान जो इंटायर साउथ इंडिया था वो इंडिपेंडेंट हो चुका था, और तीन मेजर स्टेट्स आ चुके थे। पहला किंगडम था विजयनगर किंगडम हरियर और बुक्का के अंडर में, दूसरा था बहमनी किंगडम दक्कन का हसन गंगू के अंडर में, और तीसरा था सल्तनत ऑफ मदुरई हसन शाह के अंडर में। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ अटपटे काम भी किए थे, तो जो मतलब कह सकते हैं कि विजनरी हो जाते अगर वो सक्सेसफुल हो जाते। तो कुछ पांच छह काम किए थे, उसमें से कुछ मेन काम है जैसे ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेप जो उसने लिया था वो ये कि अपनी जो कैपिटल है दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि उसको सदर्न एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करना था। कुछ सालों बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने डिसाइड किया कि भाई दौलताबाद में जो है हम वहां से अपनी राजधानी नहीं चला सकते, क्यों, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली से साउथ का कंट्रोल नहीं कर सकता, उसी तरीके से वो साउथ का भी कंट्रोल दिल्ली का कंट्रोल भी साउथ से नहीं कर सकता, ठीक है। इसके साथ साथ पानी की कमी भी बहुत बड़ा रीजन थी, और वो लोग दिल्ली वापस शिफ्ट हो गए। तो इसमें क्या था कि इसमें बहुत सारे नोबल्स थे जो बड़े बड़े अमीर वगैरह थे, उन लोगों को बोला गया कि भाई आपको राजा के साथ में चलना है देवगिर, और जनरल पॉपुलेशन को ऐसे छोड़ दिया गया कि भाई आपको आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ, ठीक है। तो कुछ टाइम तक दिल्ली ऐसी अस्त व्यस्त रही, और ये जो पूरी ट्रेवल थी, इतना लंबी ट्रेवल थी, इसमें बहुत लोग मारे गए बीमारियों से, इससे उससे, तो इससे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा। और फिर वापस की ट्रेवलिंग भी हुई। फिर इंट्रोडक्शन हुआ टोकन करेंसी का, तो मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, एक ब्रॉन्ज कॉइन था उसको इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वैल्यू रखी सिल्वर टंका के बराबर है।
तो जो आइडिया था टोकन करेंसी का, ये इंडिया में नया था और ये ट्रेडर्स के लिए और बाकी कॉमन मैन के लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था उसको एक्सेप्ट करना। तो मोहम्मद बिन तुगलक सक्सेसफुल हो जाता, लेकिन जो लोग थे वो मतलब कि नकली सिक्के बनाने लगे, तो उसकी वजह से ये भी खत्म हो गया। फिर दुआब वाले इलाके में कल्टीवेशन को बढ़ावा देना, तो एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया, दीवान ए अमीर कोही। इस एरिया ने क्या किया, इस एरिया में अलग अलग एरिया थे, उनको डेवलपमेंट ब्लॉक्स में बांटा गया। एक ऑफिशियल उनके हेड में रहता था, जिसका जॉब था कि जो कल्टीवेशन है उसको बढ़ावा देना है, कल्टीवेटर्स को लोन देके कि भाई जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी क्रॉप्स होती हैं, सुपीरियर क्रॉप्स होती हैं, उन क्रॉप्स को क्या करना है आपको, उनकी कल्टिवेशन करवाना है। ठीक है, जो बार्ले होता है उसकी जगह आप वीट उगाएंगे, शुगर क्रेन जो है वो आप वीट ग्रेप्स और इन सब जगह की जगह उगाएंगे, खजूर आप शुगर केन की जगह उगाओगे। तो ये स्कीम इसलिए फेल हुई क्योंकि जो लोगों को चूज किया गया वो इनएक्सपीरियंस थे और डिसऑनेस्ट थे, इसकी वजह से बहुत सारा जो लोन में पैसा दिया गया था वो भी रिकवर्ड नहीं हो। फिर नेक्स्ट बंदा आता है फिरोज शाह तुगलक, इसको सुल्तान जो नोबल्स थे, दरबारी थे, उन लोगों ने सिलेक्ट किया। ही अपॉइंटेड खान ए जहां मकबूल, एक तेलुगु ब्राह्मण कन्वर्ट था, उसको अपने वजीर यानी कि प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आया, क्या नाम, अपॉइंट किया। उलेमा जो हुआ करते थे, जो धार्मिक गुरु हुआ करते थे इनके, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में बहुत ज्यादा हेल्प लेता था। हिंदूज को सेकंड ग्रेड सिटीजन माना जाता था और उनके लिए इसका एटीट्यूड बहुत हार्श था। मुस्लिम वुमेन को जो दरगाह वगैरह होती हैं वहां जाने से मना कर दिया गया। इसके साथ साथ जो हेरिटिकल मुस्लिम सेक्ट्स हैं, शिया मुस्लिम्स हो गए, सूफीज वगैरह हो गए, उन सबको भी प्रोसिक्यूट किया। ठीक है, जो इजिप्त के खलीफा थे उनके लिए बहुत, उनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी इसके द्वारा। और ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू इम्पोज शरफ, शरफ वॉज इरीगेशन टैक्स, सिंचाई टैक्स। ठीक है, बहुत सारी कैनल्स वगैरह बनवाई और सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया पब्लिक वर्क्स का। इक्तादारी सिस्टम को दोबारा रिवाइव किया और उसको हेरिडिटेरी कर दिया, भाई बाप से बेटे के लिए रहे। सोल्जर्स को लैंड असाइनमेंट दिए जाते थे, मतलब जागीर दिया जाती थी, और उनकी जो रिक्रूटमेंट है वो भी हेरिडिटरी कर दी कि बाप पहले अगर सोल्जर हुआ करता था तो बेटे को भी इसमें भर्ती करवाओ। फिर 300 तकरीबन नए शहर इसके रेन के दौरान बनवाए गए, उसमें सबसे फेमस है फिरोजाबाद नियर रेड फोर्ट इन दिल्ली, जिसको फिरोज शाह कोटला बोला जाता है, हिसार, जौनपुर वगैरह, इसमें फिरोज शाह तुगलक ने बसाए। और कुछ रॉयल फैक्ट्रीज बनवाई जिनको कारखाना कहा जाता था, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ स्लेव्स एम्प्लॉयड, ऑर्गेनाइज अंडर द दीवाने बंदगन, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स के अंडर में वो लोग काम करते थे। ऑफिसर इंचार्ज को वकीलेदार कहा जाता था। दो नए कॉइन इंट्रोड्यूस किए, आधा और बिच। ठीक है, इसके बाद खराज एक टर्म था जिसका मतलब 10% ऑफ प्रोड्यूस, जकात मतलब मुस्लिमों के लिए जो क्या नाम है एम्स वगैरह होती हैं, मतलब जो भी इनको दिया जाता है, और खम्स होता था मतलब 20% स्पॉइल्स ऑफ वॉर, कहीं भी युद्ध जीते हैं तो 20% खम्स सोल्जर्स को दिया जाएगा। ऐसा नया डिपार्टमेंट बनाया दीवान ए खैरात, डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी, जिसमें ऑर्फन्स और विडोज की खैर ली जाती थी। फिर नेक्स्ट आता है सैयद डायनेस्टी, तो सैयद डायनेस्टी में सबसे पहला बंदा हुआ खिज्र खान। ठीक है, जो तैमूर जो था वो अपने इंडिया से जाने से पहले, तैमूर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसने खिज्र खान को मुल्तान का गवर्नर बना दिया। उसने फिर दिल्ली कैप्चर की, सैयद डायनेस्टी की नींव रखी, और इसने सुल्तान का टाइटल नहीं लिया लेकिन कॉइन्स अपने नाम पे जारी करवाए, खुतबा पढ़वाया इन द नेम ऑफ तिमूर, तैमूर। फिर इनका रेन बहुत छोटा था। नेक्स्ट आती है आपकी लोधी डायनेस्टी। सर हाँ जी सर फिरोज शाह तुगलक के बाद डायरेक्ट तैमूर सर बीच में कुछ नहीं है? तैमूर नहीं आया ना भाई, फिरोज शाह तुगलक के बाद सैयद डायनेस्टी आ गई ना बीच में, हाँ सर तैमूर यही के, बिफोर हिज डिपार्चर फ्रॉम इंडिया तैमूर हाँ अपॉइंटेड मतलब खिजर खान सर। तैमूर जो था बीच में, उसके बहुत सारे अटैक्स हुए इंडिया में, लेकिन वो यूपीएससी के लिए पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है हमें, तो ये डायनेस्टीज भी चलती नहीं और तैमूर के अटैक्स भी चलते रहे। ओके सर सर ये ठीक जो है सर। डायनेस्टीज, बोलिए बोलिए हाँ करण पूछ ले पूछ ले। सर ये जो डायनेस्टीज वगैरह होती है सर, ये मतलब कैसे बंद हुई, बंद इन द सेंस सर कैसे डिक्लाइन हुई, इसके बारे में क्वेश्चन नहीं ऐसे आते हैं सर डिक्लाइन कि ये होते थे कि कैसे भाई जैसे डिक्लाइन कि हुई। एक, जैसे बताता हूँ, जैसे ऐसे डिक्लाइन हुई कि जो जैसे कि मतलब एक ये बहुत बड़ा राजा है, इसने मतलब क्या किया, इसने किसी को मार के काट के जो भी है उसने सिंहासन अपना लिया। उसके बाद में तकरीबन अगर इसने अच्छा काम किया, कंसोलिडेट किया, इसके मीजा क्या नाम है जो भी एक्शंस थे वो काफी सही थे, तो एक दो तीन पीढ़ियों तक अच्छा सा चल गया। लेकिन बीच में अगर एक भी वीक राजा आता है, एक भी वीक बंदा आता है जो सिंहासन पे बैठा है जिसका फायदा दूसरे उठा सकते हैं। जनरली क्या होता था कि राजा अपने आप में पावरफुल नहीं होता, राजा पावरफुल होता है उसके जो दरबारी होते हैं, जो नोबल्स होते हैं, जो उसके अंडर में रहते हैं। ठीक है,
उनके हिसाब से पावर होता है। अगर ये लोग लॉयल हैं उसके लिए तो राजा ऑटोमेटिकली क्या होगा, काफी ज्यादा बड़ा होगा, उसकी काफी ज्यादा पोजीशन स्ट्रांग होगी। या तो ये जो दरबारी है उनका सपोर्ट होना चाहिए या फिर उनपे दबाव होना चाहिए, मतलब पूरी आर्मी उसके साथ होनी चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे मीजर्स होते थे। तो बीच में अगर कोई भी अगर छोटा सा राजा ऐसा है जो वीक है, तो भाई हर दरबारी जो पावरफुल है वो सोचता है कि भाई मैं राजा बन जाऊं, मैं सुल्तान बन जाऊं, तो भाई उसको हटाने का प्लानिंग वगैरह चलती रहती है। तो भाई इसको हटा दिया तो नया राजा आ गया, फिर भाई उसकी नई डायनेस्टी स्टार्ट हो गई। सर मतलब ये सारे डायनेस्टीज में कॉमन एक यही फैक्टर है सर कि मतलब कोई मतलब कोई कमजोर राजा आया उसको ऐसे डिक्लाइन हो इन गया। सारी डायनेस्टीज में कॉमन जो है वो ये कि इन सब में से मोस्टली सबने जो है सुल्तान की उपाधि ली, ओके सर ठीक है। ठीक है, इसीलिए इसको सल्तनत या सल्तनत कहा जाता है। ठीक ओके है, हाँ काम, तुम्हें भी कुछ पूछना था? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर इसमें से सर क्वेश्चन कैसे टाइप के आ सकते हैं, जैसे कि सर फॉर ये एग्जांपल जितने सैयद भी फैक्ट्स डायनेस्टी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितने भी फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये वाले इब्न बतूता किसके रेन में आया, ठीक है, विजयनगर किंगडम किसने फाउंड किया, ये ट्रांसफर ऑफ कैपिटल वाला, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी वाला, कि मोहम्मद बिन ने तुगलक ने कौन से कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन लिए, उनके बारे में स्टेटमेंट आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई हाँ शरफ क्या था, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे और भी चीजें पूछी जा सकती हैं भाई, कि भाई ये वाला शहर जो है किसने फाउंड किया, ठीक है, दीवाने बंदगन क्या हुआ करता था, आधा बीच क्या है, खरस क्या है, जकत क्या है, खाम्स क्या है, दीवाने खैरत क्या है, ये सब आपसे पूछे जा सकते ओके सर हैं। ठीक है, फिर आती है भाई लोधी डायनेस्टी। पहलो लोधी जो था कैपेबल जनरल था, अवेयर ऑफ द फैक्ट कि टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द सल्तनत उसको अफगान नोबल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो बहलोल लोधी था, वो फिर उसने लोधी डायनेस्टी की फाउंडेशन की। उसके बाद इनका मेन राजा आया सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने एक नया मेजरमेंट यार्डस्टिक या मेजरमेंट सिस्टम चालू किया, जिसे गज ए सिकंदरी कहा जाता था, और एक सिस्टम जो है उसमें अकाउंट्स की ऑडिटिंग वगैरह का भी चालू करवाया। ही वॉज अ पाइगॉट एंड शोड लिटिल टॉलरेंस टूवर्ड्स द नॉन मुस्लिम्स, यानी कि हिंदू। उसने बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय किया, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हिंदूज पे, उसने नॉन मुस्लिम्स पे यानी कि हिंदूज पे फिर से जजिया का कर लगा दिया। आगरा इसने फाउंड किया और रोड पर्शियन वर्सेस अंडर द नेम गुल रखी। फिर आया इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को राणा सांगा जो मेवाड़ के थे उन्होंने हराया। दौलत खान लोधी जो गवर्नर का पंजाब था, वो भाई इससे बहुत ज्यादा उसको परेशानी हुई इब्राहिम की इंसल्ट थे, और उसने बाबर को इनवाइट किया कि भाई आप आओ और इंडिया को इन्वेट करो। बाबर इंडिया में आया, इब्राहिम लोधी को उसने हराया, मार दिया, और ये हुई आपकी बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट। अब हम देखते हैं सुल्तनत पीरियड के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहा। तो जो नायब की पोस्ट थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी। नायब जो है वो सुल्तान के बराबर की मतलब काफी सारी पावर्स को एंजॉय करता था, एंड एक्सरसाइज जनरल कंट्रोल ओवर ऑल द डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल हुआ करता था। उसके बाद पोजीशन थी वजीर की, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड था, और उस डिपार्टमेंट को कहा जाता था दीवान ए वजारत। एक ऑडिटर जनरल भी जो था वो पूरे हिसाब किताब को देखता था, और एक अकाउंटेंट जनरल भी हुआ करता था, वो सब वजीर के अंडर में काम किया करते थे। मिलिट्री डिपार्टमेंट को दीवान ए इराज अरज कहा जाता था, ये अरिज ममालिक के द्वारा हेड किया जाता था, जो सोल्जर्स को रिक्रूट करता था, और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री डिपार्टमेंट का उसके पास रहा करता था। एक होता था दीवान ए रसालत, जितने भी रिलीजियस अफेयर्स हैं, क्या नाम है, किसको कितने पैसे देने हैं, स्कॉलर्स वगैरह को, ये चीफ सदर के द्वारा हेड किया जाता था, जो चीफ काजी के तौर पर ही फंक्शन करता था, और जुडिशियल डिपार्टमेंट का भी हेड था। फिर दीवान ए इंशा आता था, ये डिपार्टमेंट्स ऑफ करस्पॉन्डेंस था, मतलब जो भी खत इधर से उधर भेजे जाते थे, जो भी खत रूलर और बाकी देशों के बीच में भेजे जाते थे, इसके साथ साथ आपस में जो भी खत भेजे जाते थे वो सब इस डिपार्टमेंट के द्वारा होते थे। द रूलर्स पोस्टेड इंटेलिजेंस एजेंट, इंटेलिजेंस एजेंट अलग अलग जगह प्लांट किए गए थे, उनको कहा जाता था बरीद। सोशल सिस्टम में देखें तो ये ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम था, ब्राह्मण टॉप पे अभी भी थे, सब सर्वेंट पोजिशन वुमेन की जो थी वो आ चुकी थी मतलब, और प्रैक्टिस जो थी सती की वो प्रिवेलेंट थी। अरब और तुर्कों की वजह से जो पर्दा सिस्टम है वो इंडिया में आया, जो वुमेन थी वो सेक्लूड रहने लगी, एंड द वियरिंग ऑफ पर्दा बिकेम वाइड स्प्रेड अमंग द वुमेन इन द अपर हिंदू क्लासेस ऑफ नॉर्थ इंडिया, ताकि कोई भी इस्लामिक जो है वो उनको ना देख सके, क्योंकि उस टाइम ये था कि भाई दे आर नॉट सेफ, सिंपल सी चीज है।
ठीक है, सुल्तनेट पीरियड में जो मुस्लिम सोसाइटी थी उनमें भी बहुत सारे एथनिक और रेशियल ग्रुप बन गए, ऐसा नहीं था कि हिंदू सोसाइटी में थे, इनके अंदर भी बन गए। तुर्क सबसे सुप्रीम थे, फिर ईरानियंस आते, अफगान आते थे, इंडियन मुस्लिम्स को जो था ये सबके एक्सक्लूसिव ग्रुप थे और इनके बीच में कोई भी शादियां नहीं होती थी। मुस्लिम नोबल्स हाई ऑफिसेज ऑक्यूपाई करते थे और बहुत ही कम हिंदू नोबल्स में से किसी को हाई ऑफिस दिया जाता था। हिंदूज को जिम्मीज या फिर प्रोटेक्टेड पीपल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो कहा जाता था, नॉर्मल टर्म्स में उसको धिम्मीज कहा जाता है। उसकी वजह से उनको एक टैक्स जो है वो जजिया देना पड़ता था। फिर आर्ट एंड लिटरेचर की बात करें तो इन द बिगिनिंग उन्होंने बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स को मॉस्क में कन्वर्ट किया, जैसे कुब्बत अल इस्लाम मॉस्क जो कुतुब मीनार के पास में है, वो पहले विष्णु टेम्पल हुआ करता था, लेकिन इसके बाद उन्होंने नए स्ट्रक्चर्स बनाने स्टार्ट कर दिए। अलाउद्दीन खिलजी ने एक एंट्रेंस ऐड किया कुतुब मीनार में, उसको अलाई दरवाजा का नाम दिया। कोटला फोर्ट फिरोज तुगलक ने बनाया, लोधी गार्डन जो है वो लोधीज ने बनाया, और न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सारंगी और रबाब जो है वो भी इसी पीरियड में इंट्रोड्यूस किए गए। अमीर खुसरो ने बहुत सारे रागों की रचना की जैसे घोरा और सनम। एक नया न्यू स्टाइल ऑफ लाइट म्यूजिक जैसे कव्वाली कहा जाता है वो हिंदू और ईरानियन सिस्टम्स को मिक्स करके बनाया। सितार का इन्वेंशन भी इन्हीं के नाम में जाता है। इंडियन क्लासिकल वर्क जैसे कि राग दर्पण ये भी पर्शियन में इस दौरान फिरोज शाह तुगलक के रेन के दौरान ट्रांसलेट किया गया। राजा मानसिंह तोमर ऑफ ग्वालियर ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ म्यूजिक, उन्होंने एक बहुत ही ग्रेट म्यूजिकल वर्क लिखा जिसे का नाम दिया गया मान कौतूहल। फिर लिटरेचर की बात की जाए तो बहुत सारे फेमस हिस्टोरियंस थे इस पीरियड में, हसम निजामी, मिनहाज सिराज, जियाउद्दीन बरानी, शम्स शिराज आसिफ। बरानी ने तारीख ए फिरोजशाही लिखी है जिसमें तुगलक डायनेस्टी के बारे में लिखा हुआ है। मिनहाज सिराज ने तबागत ए नसीरी लिखी है जिसमें मुस्लिम डायनेस्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अमीर खुसरो ने जो पर्शियन राइटर थे बहुत फेमस, उन्होंने पर्शियन पोएट्री डेवलप की सबाक ए हिंद इंडियन स्टाइल में और बहुत सारी हिंदी वर्सेस भी लिखी। अमीर खुसरो की खजान उल फता अलाउद्दीन खिलजी के कंक्वेस्ट के बारे में बात करती है। इनका सबसे फेमस वर्क था तुगलक नामा, डील्स विद द राइज ऑफ कियासुद्दीन तुगलक। फिर बहुत सारी संस्कृत वर्क। हाँ जी सर, एक स्लाइड पीछे जाइए सर, एक वहां पे डाउट था सर, मैं फॉलो अप नहीं कर पाया। बताइए सर, पीछे पीछे सर, उस इसके भी पीछे सर, यहाँ दिल्ली सल्तनत में सर राजा मान सिंह कैसे? उस टाइम पीरियड पे थे भाई राजा मान सिंह, ये जयपुर वाले नहीं, राजा मान सिंह तोमर ऑफ ग्वालियर, मेरे पूर्वज जो उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत का मतलब दिल्ली सल्तनत तो उसके आसपास का एरिया था, लेकिन यूपीएससी में से प्रोमिनेंट तौर पे पढ़ाया जाता है। बाकी कंट्री में भी बहुत कुछ चल रहा था उस टाइम पे, बाकी कंट्री में भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे। ठीक है, ओके सर। फिर संस्कृत वर्क मेडिसिन पे और म्यूजिक पे उनको पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया। अरेबिक में अल बरूनी की किताब उल हिंद सबसे फेमस वर्क है। उसके बाद रीजनल लैंग्वेजेस भी काफी ज्यादा डेवलप हुई। चंद बरदाई की जो फेमस हिंदी पोयम थी चंद पृथ्वीराज रासो लिखी गई। बंगाली लिटरेचर भी डेवलप हुआ और नुजरत शाह जो उस टाइम पे कोई राजा था वहां का, उसने महाभारत को बंगाली में ट्रांसलेट करवाया। फिर भक्ति सूफी ट्रेडिशंस आ जाते हैं सेम टाइम, कंटेम्प्रेरी चलते हैं ये, ठीक है, सल्तनत पीरियड के और बाकी जो टाइम पीरियड आता है मुगल पीरियड, इसके साथ भक्ति सूफी ट्रेडिशंस भी चलते हैं। तो देखो दो डिफरेंट आइडियोलॉजिकल स्ट्रीम भक्ति मूवमेंट की हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी सारे क्वेश्चंस आपके भक्ति सूफी ट्रेडिशन से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात हुई सगुन, यानी कि गॉड विद एट्रीब्यूट्स और फॉर्म, जिस भगवान का आकार है। सगुन भक्ति का मतलब कि स्पेसिफिक देवताओं की पूजा, जैसे कि शिव हो गए, विष्णु हो गए, या फिर उनके अवतार हो गए, या फिर कोई और देवी देवता हो गए। निर्गुण भक्ति मतलब भगवान का कोई आकार नहीं होगा, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड। ठीक है, सगुन निर्गुण का बीच का फर्क आपको मालूम चल गया। अब आते हैं अलवर्स एंड नयनार्स ऑफ तमिलनाडु। तो अर्ली भक्ति मूवमेंट यानी कि 6th सेंचुरी की बात करें तो तब अलवर्स और नयनार्स हुआ करते थे। अलवर मतलब वो जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तकरीबन 12 अलवर्स थे जो अलग अलग बैकग्राउंड से आए। नयनार्स जो भगवान शिव की पूजा करते थे, 63 नयनार्स हुए जो भी अलग अलग कास्ट बैकग्राउंड के हुए। और फिर एक टर्म आता है नलायरा दिव्या प्रबंधम, 4000 सेक्रेट कंपोजिशन। तो 10th सेंचुरी के दौरान 12 जो अलवर थे उन्होंने एक एंथोलॉजी मतलब बहुत बड़ी किताब बनाई जिसका नाम था नलायरा दिव्य प्रबंधम। ये तमिल वेद के तौर पे कही जाती है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो 4 वेदों में संस्कृत में है, वही चीजें काफी सारी इसमें भी हैं।
नेक्स्ट आते हैं आपके नाथपंथी, सिद्ध और योगी। तो इन्होंने दुनिया या फिर मोह माया को छोड़ने का ऐलान किया, ठीक है, उनके हिसाब से कि जो सेल्वेशन का पाथ है, कि मतलब मोक्ष अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी, ठीक है, बॉडी की माइंड की आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, योगासंस करने पड़ेंगे, आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और तपस्या घनघोर करनी पड़ेगी। ये इनका क्या बोलते हैं उसे एम था। फिर हम स्विच करते हैं भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र की तरफ। तो महाराष्ट्र में जो भक्ति मूवमेंट था वो विठोबा या विठल जो देव थे उनके आसपास केंद्रित है, जो पंढरपुर की देवता है, ठीक है, ये भगवान कृष्ण का ही एक रूप कहे जाते हैं। तो जितने भी संत कवि थे उन्होंने सब तरह के आडंबरवाद या फिर जो भी बाहरी दिखावा वगैरह होता है या फिर जो भी आपस में सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ हैं, उन सबको उन्होंने क्या किया, उन सबको उन्होंने डिस्कार्ड किया कि भाई ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। तो उन्होंने जो आइडिया था रिनाउंसिएशन का कि भाई सब कुछ छोड़ दो, बस तपस्या में लीन हो जाओ, उन्होंने इस चीज को भी रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि वी प्रिफर टू लिव आवर विद आवर फैमिलीज, हम अपनी फैमिलीज के साथ रहेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे, नॉर्मल लोगों की तरह ही अपनी जीविका उपार्जन करेंगे, ठीक है, और इसके साथ साथ अपने साथ वाले जो भी मनुष्य हैं उनकी हम सेवा करेंगे। तो महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट जो है वो दो सेक्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है वर्कारीज, जो भगवान विठल जो पंढरपुर में रहते हैं उनके भक्त हैं, जो इमोशनल और एब्स्ट्रैक्ट हैं उनके व्यू पॉइंट से, मतलब ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट व्यू पॉइंट से भाव वाली इसमें ज्यादा है। दूसरे हैं धरकारीज, ये रामदास जो हैं उनके फॉलोअर्स हैं, ये भगवान राम के क्या नाम है पूजते हैं और ये थोड़े रैशनल और प्रैक्टिकल कहे जाते हैं अपने थॉट्स में। फिर विठोबा जो कल्ट है उसको तीन संत जो है बिलोंग करते हैं, पहले हैं ज्ञानेश्वर ज्ञानदेव, दूसरे नामदेव और तीसरे हैं तुकाराम। तो ज्ञानेश्वर या फिर ज्ञानदेव 13th century, इन्होंने भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री लिखी जिसको ज्ञानेश्वरी कहा जाता है, जो भक्ति आइडियोलॉजी का फाउंडेशन है महाराष्ट्र में। दूसरे आपके नामदेव, नामदेव भी एक संत कवि थे, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, वर्कारी सेट को बिलोंग करते थे, ये पहले दर्जी थे, ठीक है। ये जितने भी ज्ञानेश्वर हैं, नामदेव हैं, बाकी जो भी संत आएंगे इन सबके प्रोफेशंस भी आपको याद रखने हैं, इन सबके रीजंस भी आपको याद रखने हैं, कई बार आप तो मैच द फॉलोइंग पूछ लिया जाता है। तो ये सबसे पहले एक दर्जी थे और संत बनने से पहले उससे भी पहले ये एक डाकू हुआ करते थे, ठीक है। बहुत सारे इंडिविजुअल्स फ्रॉम डाइवर्स क्लासेस वो इनकी भक्ति में आए, ठीक है, और भजन सिंगिंग सेशंस होते थे। नॉर्थ इंडिया में इनको निर्गुण संत कहा जाता है, महाराष्ट्र में ये वर्कारी ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं, वैष्णव डिवोशनल ट्रेडिशन को। फिर संत एकनाथ आते हैं, ये भी 16th century के मराठी संत रहे हैं, स्कॉलर रिलीजियस पोएट रहे हैं वर्कारी संप्रदाय के। उन्होंने एक नया फॉर्म मराठी रिलीजियस सॉन्ग का जो है वो लाया, उसको भरूत कहा जाता है। फिर आए संत तुकाराम, ये भी संत कवि थे भक्ति मूवमेंट के महाराष्ट्र में, ये शुद्र थे जन्म से और ये वर्कारी ट्रेडिशन के पार्ट थे। इनको इनके अभंग या फिर दोहा होते हैं उनके लिए जाना जाता है। ये शिवाजी के कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन थे और मराठा नेशनलिज्म डेवलप करने में इन्होंने कई सारे गीत लिखे और लोगों को जागृत किया। फिर भक्ति मूवमेंट के और प्रोमिनेंट लीडर्स की बात करते हैं तो गोइंग बैक टू 8th century, सबसे पहले आते हैं आदिगुरु शंकराचार्य। केरला कलादी में इनका जन्म हुआ, ही वॉज अ लीडर ऑफ द हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट ऑफ द 8th century। बौद्ध का जो रोल है बहुत प्रोमिनेंट हो गया था, तो सनातन धर्म को वापस लाने में शंकराचार्य जो है, आदिगुरु शंकराचार्य, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। उन्होंने थ्योरी दी अद्वैत की, जिसे मोनिज्म में कहा जाता है फिलोसफी, एंड निर्गुण ब्रह्मर मतलब गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स। अद्वैत मतलब द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड इज डिनाइड एंड ब्रह्म इज कंसिडर्ड एज द ओनली रियलिटी, सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है। उनका फेमस कोट है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मात्र न प्रहा, मतलब एब्सोल्यूट स्पिरिट इज द रियलिटी, द वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस इज माया। उन्होंने मठ बनाए श्रृंगेरी में, द्वारका में, पुरी में, बद्रीनाथ में। उन्होंने भगवद गीता के ऊपर कॉमेंट्री लिखी, ठीक है, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद भी लिखे। उन्होंने उपदेश शास्त्री विविचुदामणि भज गोविंदम स्त्रोत्र, ठीक है, ये सब उन्होंने लिखे। फिर आते हैं नेक्स्ट रामानुजम, 11th century, ये अलवर से डीपली इन्फ्लुएंस थे। उन्होंने शंकराचार्य के मायावाद का अपोज किया, उन्होंने एक थ्योरी दी विशिष्ट अद्वैतवाद की, ठीक है, और श्री वैष्णव सेक्ट को फाउंड किया। विशिष्ट अद्वैतवाद का मतलब द वर्ल्ड एंड द ब्रह्म आर कंसिडर्ड टू इक्वल रियल एंटिटीज एंड द वर्ल्ड इज फाउंड आउट ऑफ ब्रह्म, कि वर्ल्ड जो है, दुनिया और जो ब्रह्म है ये अलग अलग चीजें हैं, इक्वल और रियल एंटिटीज हैं, लेकिन जो दुनिया है वो ब्रह्म से ही है। उन्होंने श्री भाष्य लिखी, वेदांत दीप लिखी, गीता भाष्य लिखी और वेदांत सार लिखी। नेक्स्ट आते हैं माधवाचार्य, 13th century,
कन्नड़ रीजन को बिलोंग करते थे, इन्होंने द्वैत या फिर ड्वेलिज्म ऑफ जीवात्मा एंड परमात्मा इसका थ्योरी दी। उन्होंने ब्रह्म समुदाय की खोज की। उनकी जो फिलोसफी थी ड्वेलिज्म यानी कि द्वैत, उसके हिसाब से वर्ल्ड इज नॉट एन इल्यूजन बट अ रियलिटी फुल ऑफ रियल डिस्टिंक्शन, जो दुनिया है वो माया नहीं है, वो एक सच्चाई है, इसमें अलग अलग सच्चाइयां हैं। फिर आते हैं निम्बर्क, ये रामानुजम के कंटेम्परेरी थे। उन्होंने द्वैत अद्वैत फिलोसफी दी और एक फिलोसफी थी भेद अवेद की, ठीक है। ये वैष्णवाइत भक्ति के प्रीचर थे तेलंगाना रीजन में, इन्होंने सनक संप्रदाय की खोज की। फिर नेक्स्ट आते हैं बल्लभाचार्य, इनका जन्म हुआ बनारस में 15 सेंचुरी में, राजा कृष्णदेव राय के कोर्ट में ये थे। सूरदास जो है वो इनके शिष्य थे और ही प्रोपाउंडेड द शुद्ध अद्वैतवाद, ठीक है। इसके साथ साथ रुद्र संप्रदाय की भी इन्होंने खोज की। अब 13 सेंचुरी के बाद में एक नई भक्ति वेव का मतलब जन्म हुआ नॉर्थ इंडिया में। तुलसीदास जो है उन्होंने भगवान सुप्रीम भगवान के तौर पे श्री राम को रखा। सूरदास जो है उनके लिए सुप्रीम भगवान भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने सूर सागर की रचना की, सुरसावली की साहित्य लहरी, ये सब उनकी रचनाएं थी। मीराबाई जो थी वो संत रविदास की शिष्या बन गई, ठीक है, जो कि सूत्र से अनटचेबल कास्ट से आते थे, ठीक है। ये भी भगवान कृष्ण के डिवोशन में डिवोटी थी और उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे। फिर आते हैं रामानंद, रामानंद का जन्म प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में हुआ। ये रामानुज के फॉलोअर थे, उन्होंने भक्ति पे काफी ज्यादा एम्फेसिस पुट किया और कहा अवॉइड करो ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, सिर्फ भक्ति करो, ठीक है। इनके फॉलोअर्स को रामनंदीज कहा जाता है। इनके डिसिपल्स हैं कबीर, रविदास, नानक, भगत पीपा ही किए। फिर आते हैं कबीर, कबीर का जन्म बनारस के पास एक ब्राह्मण विधवा के घर में हुआ और एक मुस्लिम कपल ने उनको पाला, ठीक है, जो जुलाहे थे प्रोफेशन से। इनका ऑब्जेक्ट था कि हिंदू और मुस्लिम को एक किया जाए, दोनों के बीच में भेदभाव खत्म किया जाए। निर्गुण भक्त आर ऑल्सो नोन एज मोनोथेस्टिक भक्ति सेंट्स, वो गेव मोर इंपॉर्टेंस टू द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ भक्ति सेंट्स विद गॉड, भगवान के साथ में हमारा जो भी संबंध है वो निजी रहेगा। ये रामानंद के शिष्यों में से एक थे। इनके कहे गए जो दोहे हैं या वर्सेस हैं वो सिख होली स्क्रिप्चर आदि ग्रंथ में भी पाए जाते हैं। बीजक इनका सबसे यू नो बेस्ट नोन कंपिलेशन माना जाता है ऑफ द ऑफ कबीर। फिर वैष्णवाइट मूवमेंट आता है, तो भाई जो भक्ति मूवमेंट है नॉर्थ इंडिया में, ये भगवान राम और भगवान कृष्ण की वर्शिप के आसपास ही फला फूला है, जो भगवान विष्णु के अवतार थे। तो जो श्रीराम कल्ट है उसको संत कवि तुलसीदास ने ज्यादा प्रचारित किया। उनकी जो क्या नाम है मानस, रामचरित मानस जो उन्होंने लिखी है, जिसको तुलसीकृत रामायण बोला जाता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर, आजकल हर घर में आपको मिलेगी। इसमें श्रीराम भगवान को परब्रह्म के तौर पर दिखाया गया है। और जो कृष्ण कल्ट के फॉलोअर्स हैं वो उन्होंने राधा बल्लभी सेक्ट बनाया जो हरिवंश ने फाउंड किया 1528। अर्ली 16th सेंचुरी में बल्लभाचार्य जो है पॉपुलर भक्ति सेंट, उन्होंने कृष्ण भक्ति कल्ट को ज्यादा फेमस किया। बल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास और मीराबाई। फिर आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, 16th सेंचुरी बंगाल में। ये भी बहुत जाने पहचाने पहचाने संत थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे बंगाल के। इन्होंने कीर्तन सिस्टम जो है वो पॉपुलराइज किया बंगाल में। फिर आते हैं नरसिंह मेहता, जिनको नरसिंह मेहता भी कहा जाता है। ये गुजरात के संत थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण और राधा के बीच में काफी सारा उनके बीच की चीजें लिखी हैं, उन्होंने उनके ऊपर बहुत सारे गीत लिखे हैं और वैष्णव जन तो तैने के लिए जो भजन है वो भी उन्होंने लिखा था। फिर हम बात करेंगे वैष्णव जन को तैने कहिए, बेस्ड मतलब कौन से भगवान पे बेस्ड है, मतलब के लिए लिखा गया है या उनकी वर्शिप के लिए लिखा गया है। सर जनरली भगवान हरि को कहेंगे, भगवान विष्णु को कहेंगे कि भगवान विष्णु को फॉलो जो करते हैं वैष्णव, वैष्णव जन तो देने कहिए जी पीर पर आई जाने रहे, मतलब वैष्णव जन वही है जो दूसरे इंसान के दुख दर्द को समझते हैं। ठीक है, फिर तो सूफीज में थ्योरीज जो थी आइडिया थे, जैसे कि फना मतलब सेल्फ एनिहिलेशन, हुलूल मतलब इन्फ्यूजन ऑफ डिवाइन स्पिरिट, इश्क यानी कि डिवाइन लव, कुर्बत यानी कि डिवाइन प्रॉक्सिमिटी, रूह मतलब सोल, ये सब सेंट्रल थ्योरीज थी सूफीज्म की। उन्होंने एलेबोरेट मेथड डेवलप किए, जैसे कि जिक्र मतलब चैंटिंग ऑफ अ नेम या फिर सेक्रेट फॉर्मूला, सम यानी कि सिंगिंग, रक्स यानी कि डांसिंग, ब्रेथ कंट्रोल अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर ऑफ पीर, तो मास्टर हुआ करता था जो गुरु हुआ करता था उसको ये लोग पीर कहते थे। फिर आता है सिलसिला, सिलसिला का मतलब चेन, एक के बाद एक, मतलब कंटिन्यूस लिंक बिटवीन मास्टर एंड डिसिपल,
गुरु और शिष्य के बीच में जो चेन है उसको सिलसिला कहते थे ये लोग। 12th सेंचुरी तक जो सूफीज हैं वो अलग अलग सिलसिला यानी कि ऑर्डर्स में कन्वर्ट हो गए, जिसका मतलब टीचर यानी कि पीर और जो मुरीद यानी कि डिसिपल्स उनके बीच की चेन। तो चार पॉपुलर सिलसिले रहे हैं, चिश्ती रहे हैं, सोहरावर्दी रहे हैं, कादरिया रहे हैं और नक्शबंदी रहे हैं। अगर हम इनकी बात करें तो चिश्ती सिलसिला की बात करते हैं, ये इस्टेब्लिश किया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, जो इंडिया में मूव किया उन्होंने इन्वेंशन ऑफ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के दौरान और अजमेर में सेटल हो गए। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जहां तक मैंने पढ़ा है, वहां ही वॉज यू नो काइंड ऑफ यू नो भेदिये बोलते हैं ना हिंदी में, या फिर जासूस, सो ही वाज़ द इनिशियल जासूस जो अजमेर में जाके सेटल्ड हुए थे और बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मोहम्मद गौरी तक पहुंचाई थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं सोहरावर्दी सिलसिला। तो ये फाउंड किया शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने बगदाद में और इस्टेब्लिश किया गया इंडिया में बहाउद्दीन जकरिया ने। फिर नेक्स्ट आते हैं नक्शाबंदी सिलसिला, ये इस्टेब्लिश किया ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने। और उसके बाद कादरी सिलसिला आता है, ये इस्टेब्लिश हुआ शेख अब्दुल कादिर की टीचिंग्स के अंडर। तो ये सारे सिलसिले भी पूछ ले, याद करना, कई बार पूछे जाते हैं। फिर सिख मूवमेंट आता है, सिख मूवमेंट में सबसे पहले गुरु आते हैं गुरु नानक, ये सिखिज्म के फाउंडर थे। ही वाज अ निर्गुण भक्ति सेंट एंड सोशल रिफॉर्मर, उन्होंने निर्गुण भक्ति की बात की, निरंकार भक्ति की बात की। नेक्स्ट इज गुरु अंगद, इन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो है वो डेवलप की, पंजाबी लैंग्वेज की पॉपुलराइज किया। गुरु अमरदास आते हैं, उस बाद आते हैं गुरु रामदास। गुरु रामदास ने चक रामदास या फिर रामदास फोर जिसे अमृतसर कहा जाता है उसका फाउंडेशन रखा। फिर गुरु अर्जुन देव आते हैं, उन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की जिसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है, उसको श्री हर मंदिर साहिब वहां पर रखा गया। उनको जहांगीर ने एग्जीक्यूट कर दिया क्योंकि उसके जो रेवल्यूशन था खुसरो उसकी हेल्प की थी। उनको सिख रिलीजन का पहला शहीद माना जाता है, मतलब शहीदारे सरताज। फिर आते हैं गुरु हरगोविंद, इन्होंने सिख्स को एक मिलिटेंट कम्युनिटी में कन्वर्ट किया, अकाल तख्त उन्होंने इस्टेब्लिश किया, अमृतसर की किलेबंदी की और टाइटल लिया सच्चा पातशाह का। उन्होंने कंसेप्ट दिया मीरी और पीरी, दो तरह के चाकू रखने का। फिर आते हैं गुरु हर राय, उनको प्रोसिक्यूट किया औरंगजेब ने, उनके खिलाफ एंटी इस्लामिक ब्लास्फेमी के चार्जेस लगाए गए, ठीक है, उनके खिलाफ और गुरु ग्रंथ साहिब के खिलाफ, क्योंकि गुरु हर राय ने दारा शिकोह को जो औरंगजेब का बड़ा भाई था उसको शेल्टर दिया था। फिर आते हैं गुरु हर किशन और उसके बाद आते हैं गुरु तेग बहादुर, इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया, बट ही वॉज एग्जीक्यूटेड एंड बीहीडेड बिफोर द पब्लिक इन दिल्ली चांदनी चौक जहां पर शीशगंज गुरुद्वारा है। और फिर सबसे लास्ट में आते हैं गुरु गोविंद सिंह, ये लास्ट सिख गुरु थे ह्यूमन फॉर्म में। इन्होंने जो गुरुशिप है सिख्स की वो गुरु ग्रंथ साहिब को ट्रांसफर कर दी और सिख्स को उन्होंने कम्युनिटी ऑफ वॉरियर्स यानी कि खालसा जिन्हें कहा जाता है उसमें कन्वर्ट किया। इन्होंने 5 सिंबल्स दिए, केश यानी कि बिना कटे बाल, कच्छा यानी कि कच्छ या कछेरा या कॉटन अंडरवेयर, कृपाण यानी कि स्टील स्वॉर्ड, तलवार, स्टील ब्रेसलेट जिसको कड़ा कहा गया, और कंघा जो वुडन कॉम होता है। इन्होंने एक सप्लीमेंट्री ग्रंथ भी कंपाइल किया जिसे कहा जाता है दसवें पातशाह का ग्रंथ। 5 लोगों को सिलेक्ट किया पंच प्यारे नाम से, कहानी आप लोगों को बैसाखी वाली पता ही होगी। फिर इसके बाद हम बात करेंगे विजयनगर एंड बहमनी किंगडम की, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, ठीक है, विजयनगर बहमनी किंगडम। तो विजयनगर किंगडम में 4 डायनेस्टीज थी, संगम डायनेस्टी, सलुवा डायनेस्टी, तुलवा डायनेस्टी और अरावीदु डायनेस्टी। तो सबसे पहले क्या है, जो हम्पी के रून्स हैं, जो हम्पी के खंडर से बाकी मॉन्यूमेंट्स हैं वो हमें विजयनगर किंगडम्स के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन देती है। इस्लामिक इन्वेडर्स ने इसको भी तहस नहस कर दिया, ठीक है। तो जो नेम है हम्पी का वो लोकल मदर गॉडेस पंपा देवी उनके नाम से लिया गया है। कहा जाता है कि जो एंशियंट किष्किंधा है वो यहीं कहीं आसपास बसा हुआ करता था, ठीक है। तो जो हम्पी के जो रूम्स थे वो सबसे पहले एक इंजीनियर थे कर्नल कॉलिन मैकेंजी, उन्होंने 1800 में उन्होंने सब लोगों के सामने ये रूम्स को बताया, ठीक है। वो फर्स्ट सर्वेयर जनरल थे इंडिया के 1815 में, ठीक है। और हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने 1986 में घोषित कर दिया। फिर विजयनगर और बहमनी किंगडम की अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ इंडिजीनियस लिटरेचर जो इस टाइम पे आया है, कृष्णदेव राय का अमुक्त मल्यादा आया है, गंगा देवी का मधुरी विजयम आया है, अल्लासानी पैदाना का मनुचरितम आया है, कुछ फॉरेन ट्रेवलर भी आए हैं, ये भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, मोरक्कन ट्रेवलर इब्न बतूता, वेनेशियन ट्रेवलर निकोला दे कोंती इटली का, पर्शियन अब्दुल रजाक और पोर्टुगीज डोमिंगो पेस। तो सबसे पहले संगम डायनेस्टी की बात करते हैं, फाउंडेड बाय हरियर एंड बुक्का, वो वर ओरिजिनली फ्यूडिटरीज ऑफ द ककतियाज ऑफ वरंगल, वरंगल्स के अंडर में काम किया करते थे।
कंपिली में गए, वहां पर इनको कैद में डाला गया, जबरदस्ती इस्लाम कन्वर्ट करवाया गया। बाद में एक संत विद्यारण्य थे, उन्होंने दोबारा उनको हिंदू धर्म में लाया और फिर उन्होंने लड़ाइयां लड़ी और एक नया शहर बनाया विद्यानगर ऑन द साउथ बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा, जिसको विजयनगर नाम दिया गया बाद में बाय बुक्का वन। फिर एक प्रोमिनेंट रूलर आते हैं देवराय फर्स्ट, उन्होंने तुंगभद्रा नदी पर डैम बनवाया, हरिद्रा नदी पर इरिगेशन पर्पस के लिए। इटालियन ट्रेवलर निकोलो दे कॉन्ती, रशियन मर्चेंट निकितिन, ठीक है, जिसने किताब लिखी वॉयस टू इंडिया, ये इनके रेन के दौरान आए। मथुरा एक पोइट थे इनके और इनके पिताजी दोनों के कोर्ट में, उन्होंने धर्मनाथ पुराण लिखा हुआ है ऑन द लाइफ ऑफ 15 जैन तीर्थंकर इन कन्नड़ा, सॉरी, ठीक है, एज वेल एज द पोयम एंड इलोजी ऑफ गोमितेश्वरा ऑफ श्रवण बिल गोलकारा बिलगोला। फिर आती है सलूबा डायनेस्टी, सलूबा डायनेस्टी को फाउंड किया सलूबा नरसिम्हा ने, वास्को डे गामा ने इसी दौरान कैलीकट में 1498 में लैंड किया। फिर आते हैं तुलुवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी की फाउंडेशन हुआ वीर नरसिम्हा राय ने, इसके प्रोमिनेंट राजा रहे हैं कृष्णदेव राय, ठीक है, ग्रेटेस्ट ऑफ द विजयनगर रूलर्स, इनको अभिनव भोज नाम से जाना जाता है, आंध्र पिता महा नाम से जाना जाता है, आंध्र भोज नाम से जाना जाता है। जो अलबर करके राजा था जो पोर्टुगीज था, उसने अपने एम्बेसडर्स जो हैं वो कृष्णदेव राय के कोर्ट में भेजे। पोर्टुगीज ट्रेवलर डोमिंगो पाएस और बारबोसा जो है वो इंडिया इन्हीं के रेन के दौरान आए। 8 एमिनेंट रोलर और स्कॉलर्स तेलुगु के, जिनको अष्ट दिग्गज कहा जाता था, वो इनके कोर्ट में रहते थे। पलासनी पेदान जो है वो ग्रेटेस्ट स्कॉलर थे, उनको नाम दिया गया अंध्र कविता पितामगा, ठीक है, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स रहे हैं मनुचरित्रम और हरि कथा सार। इसके साथ साथ पिंगली सुरान और तेनाली रामकृष्ण, काफी ज्यादा नाम आपने सुने होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट स्कॉलर इनके कोर्ट में रहे हैं। फिर कृष्णदेव राय के बारे में अगर बात करें और ज्यादा, तो वैष्णवाइट रहे हैं, वैष्णव पंथ को फॉलो किया है, सारे रिलीजन्स को इन्होंने रिस्पेक्ट किया है। अच्छा, ये तो मैंने रिपीट कर दी, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है बहमनी सुल्तनत, तो इसके फाउंडर थे हसन गंगू, टाइटल लिया अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, क्योंकि ईरान के कोई बहुत मिथिकल हीरो थे बहमन शाह, उनसे ही अपनी डिसेंट जो है अपनी लीनेज है उसको कनेक्ट करते थे और किंगडम का नाम दिया उसी वजह से बहमनी सुल्तनत। 4 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में तरफ जिनको कहा गया उनमें डिवाइड किया गया, ये थी दौलताबाद, बीदर, बेरार और गुलबर्ग। तो बहमनी सुल्तनत की बात करें, इनके और विजयनगर किंगडम की आपस में बहुत सारी लड़ाइयां चलती रहती थी अलग अलग एरियाज में। सबसे पहला ओवर द कंट्रोल ऑफ द रायचूर दुआ बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा, ये एरिया काफी फर्टाइल था, मिनरल रिसोर्सेज काफी ज्यादा थे, जो डायमंड माइंस गोलकुंडा की वो दुआब रीजन के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड थी, इसलिए यहाँ लड़ाई होती थी। दूसरा कृष्णा और गोदावरी बेसिन जो तुंगभद्रा दुआब है वहां पर, ये भी एरिया फर्टाइल था, तो और इसके साथ साथ फॉरेन ट्रेड को लेके यहाँ पर काफी ज्यादा कंट्रोल किया जा सकता था पोर्ट्स वगैरह पे, ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ से वेल्थ जनरेट होती थी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे। तो भाई ये भी चालुक्या और चोलास जो है पहले उनकी लड़ाइयां वो करती थी, अब बहमनी और विजयनगर किंगडम की होती थी। तीसरा मराठावाड़ का जो रीजन है, ये जो कोंकण का बेल्ट था वो भी बहुत फर्टाइल था, गोवा का पोर्ट भी उसमें आता था जो भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, और जो हॉर्सेस वगैरह जो है वो इम्पोर्ट करे जाते थे गोवा वगैरह से, ये भी सदर्न स्टेट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। कोई डाउट? नो सर। अब स्टार्ट होता है भाई मुगल एम्पायर। मुगल का जो नाम है वो आया है एक्चुअली मंगोल से, ये अपने आप को तिमुरीद कहा करते थे, मतलब जो तैमूर जो था, जो एक बहुत ही हत्यारा था, उसके नाम के हिसाब से उन्होंने अपने नाम को लिया था पैटर्नल साइड पे, ठीक है। इनके एम्पायर का फाउंडर था जहीरुद्दीन बाबर, जिसको सेंट्रल एशियन होमलैंड जो उसका घर था वहां से भगाया गया था फरगना से, उज्बेक जो थे शिवानी खान जो था। हाँ जी बोलिए सर। तैमूर का और चंगेज खान था, गेंगेज खान था, क्या था सर उसका क्या रिलेशन है सर इन दोनों का सर? यार वो सेंट्रल एशियन थे, ठीक है, चंगेज खान जो था उसके बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारा उसका क्लैन बहुत सारा बड़ा हुआ था, तो सेंट्रल एशियन जो भी मैक्सिमम क्लैंस वगैरह हैं ये सब अपना ओरिजिन चंगेज खान से ही पाते हैं। मतलब तैमूर को मतलब बेसिकली ये चंगेज खान से मतलब उसका वो है सर, सक्सेसर टाइप कह सकते हैं सर, मतलब कहीं ना कहीं। सक्सेसर नहीं कहेंगे भाई, अगर ये चंगेज खान है और ऐसी अथाह ब्रांचेस निकली हैं, इनमें से कोई एक जो है वो तैमूर है। अच्छा ओके, समझ गया।
तो सबसे पहले क्या इसको क्या किया, इसको जो सेंट्रल एशियन होमलैंड था इसका फरगना उज्बेक, तो वहां पर जो उज्बेक लीडर्स थे शेवानी खान वगैरह, उन्होंने इसको भगा दिया, इसकी बहन वगैरह को रख लिया और इसको भगा दिया और इसकी पूरी फैमिली को एक तरीके से रख लिया था। ठीक है, इसने सबसे पहले स्टेब्लिश किया खुद को काबुल में, फिर धीरे धीरे साउथवर्ड इंडिया में आने लगा अफगानिस्तान के थ्रू, मतलब खैबर पास के थ्रू। 1526 में इसने धीरे धीरे करके आगे सुल्तान जो दहली का था इब्राहिम लोधी, इसको हराया पानीपत पे और दहली और आगरा को कैप्चर कर लिया। 1526 में जैसे मैंने बताया इब्राहिम लोधी को हराने के बाद में पानीपत पे हराया, 1527 में राणा सांगा को हराया जो राजपूत रूलर्स थे खानवा वगैरह पे, और 1528 में जो चंदेरी के राजा थे मेदिनी राय वगैरह, सर मेदिनी राय नहीं थे, ये नहीं मेदिनी राय नहीं थे शायद, शायद मेदिनी राय ही थे, ठीक है, उनको सर, हराया। हाँ मेदिनी बोलिए। राय थे, हाँ मेदिनी राय थे, मेदिनी राय को हराया और उसके बाद वहां जौहर वगैरह हुआ और फिर उसके बाद में कंट्रोल किया अपना आगरा और दिल्ली पे अपनी डेथ से पहले। एक ऑल इंडिया टाइप का एम्पायर कहा जाता है लेकिन ऑल इंडिया एम्पायर नहीं था, राजपूत कन्फेडरेसी को हाँ ब्रेक किया, नया मेथड वॉरफेयर का इंट्रोड्यूस किया, गन पाउडर कैवलरी आर्टिलरी वगैरह ये सब इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले गन पाउडर यूज होता था लेकिन बहुत कम यूज होता था, बाबर ने इसको नए तरीके से लाए। एक मेमोयर लिखा तुर्की में जिसको कहा गया तुजे के बाबरी या बाबरनामा, उसका ट्रांसलेशन पर्शियन में किया गया अब्दुल रहीम खान खाना ने और उसने मसनवी भी लिखी। फिर आया इसका बेटा नजरुद्दीन हुमायूं, तो नजरुद्दीन हुमायूं का जो रेन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला रेन जब बाबर खत्म हो गया उसके बाद कुछ टाइम इसने रेन किया, फिर इसको छोटा था ये, इसको हरा दिया गया। तो सबसे पहले बैटल ऑफ चौसा हुई बक्सर के पास, वहां पर शेर शाह सूरी जो था जिसको सूर डायनेस्टी को बिलोंग करता है वो बेसिकली बाबर के अंडर में काम करता था, उसने रिवोल्ट किया और इसको हरा दिया। तो हुमायूं को हराने के बाद में शेर खान जो था उसने टाइटल ले लिया शेर शाह का। उसके बाद क्या हुआ, बैटल ऑफ बिलग्राम या बैटल ऑफ कन्नौजी, तो चौसा में हराने के बाद में हुमायूं को दोबारा हराया शेर शाह ने इस बैटल में, और इसकी वजह से हुमायूं जो है उसको सफेद सफवीद जो रूलर थे ईरान में उनकी तरफ भागना पड़ा, अपनी जो फैमिली है वो उसने राजपूताने में छोड़ दी, कई सारे राजपूतों ने राणा जो अमरकोट वगैरह के उन्होंने देखभाल की अकबर वगैरह की। और 1555 में क्या हुआ कि जो शेर शाह था कलिंजर के किले में एक ब्लास्ट होने की वजह से उसकी डेथ हो गई, सूर्य एम्पायर धीरे धीरे बिखरने लगा, तो हुमायूं ने फिर अफगान्स को हराया और मुगल थ्रोन पे सत्तारूढ़ हुआ। उसकी जो सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम, उसने हुमायूं नामा लिखा, इन्होंने एक नई सिटी बसाई दिल्ली में जिसको नाम दिया दीन पनाह, जमाली मॉस्क बनाई और मॉस्क ऑफ ईसा खान दिल्ली में बनाई, दो पर्शियन पेंटर्स को बुलाया मीर सैयद अली अब्दुल समद, उनको अपना दरबारी पेंटर बनाया। फिर आता है जलालुद्दीन अकबर, तो बैरम खान जो था वो हुमायूं का सबसे फेवरेट ऑफिसर था, अकबर का ट्यूटर भी था, अकबर खार पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं था, तो वो रीजेंट यानी कि जब तक राजा जो है बालिग नहीं हो जाता तब तक उसकी देखभाल करने के लिए उसके बिहाफ पे रूल करने वाला बैरम खान था, और टाइटल लिया था खाने खान उनका। ठीक है, बैरम खान ने अकबर को रिप्रेजेंट किया सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में, हिमू विक्रमादित्य को हराया और उसके बाद मिलिट्री कैंपेन सूरीज के अगेंस्ट में चलाए, बाकी अफगान्स के अगेंस्ट में चलाए, और जो मालवा के किंगडम मालवा का जो राज्य था गोंडवाना को जलाका था, और यहाँ पर मिर्जा हाकिम और उज्बेक्स वगैरह जो भी थे इन सबको इन सबके रिवोल्ट को दबाया। 1568 में जो सिसोदिया कैपिटल थी चित्तौड़ की वहां पे कब्जा किया, 1569 में रणथम्बोर पे कब्जा किया, उसके चित्तौड़ के फॉल के बाद में रणथम्बोर जो था कलिंजर जो था ये सब कैप्चर कर लिए गए। 1570 में मारवाड़ बीकानेर जैसलमेर वगैरह ये सब भी अकबर ने जीत लिए। 1573 तक अकबर ने तकरीबन सारे राजस्थान को जीत लिया था सिवाय चित्तौड़ के। बैटल ऑफ हल्दीघाटी हुई काफी इनकंक्लूसिव मानी जाती है लेकिन यूपीएससी के हिसाब से जलालुद्दीन अकबर ने जीता, लेकिन अगर आप डिटेल्स में जाएंगे तो आप पाएंगे कि बैटल ऑफ हल्दीघाटी काफी इनकंक्लूसिव रही और जलालुद्दीन अकबर ने जिस एम के साथ में अपने कमांडर्स को भेजा था वो एम पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि 1572 ईस्वी में अकबर ने अहमदाबाद का रूट लिया, अजमेर पे गया, गुजरात के जो रूलर थे मुजफ्फर शाह उसको हराया। ठीक है, उस जीत की खुशी में बुलंद दरवाजा बनाया फतेहपुर सीकरी में, आगरा फोर्ट बनवाया रेड सैंडस्टोन से, फतेहपुर सीकरी की जो सिटी है वो बनाई, जनरली कहा जाता है बनाई लेकिन जो जैन टेम्पल्स के एविडेंसेस है वो यहाँ पे मिले हुए हैं नींव वगैरह में, तो वो भी हम कहेंगे कि बनाई नहीं है सुपर इम्पोज की है। ठीक है, यहाँ पर जामा मस्जिद बनाई और बुलंद दरवाजा बनाया। ठीक है, अकबर की जो भी जीत हुई थी गुजरात की उसके लिए, इसके साथ साथ खुद का उसने मकबरा बनवाया सिकंदरा आगरा के पास में जो बाद में जहांगीर ने कंप्लीट किया। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो सबसे ऊपर एम्परर, उसके नीचे मीर बख्शी। ठीक है, जो भी आर्म फोर्सेस का सेंटर पे एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब होता था
मीर बख्शी का काम सूबेदार हुआ करते थे, रॉयल फैमिली प्रिंसेस जो भी इनके रिश्तेदार वगैरह हुआ करते थे, इन सबका ख्याल रखना, इन सबका एडमिनिस्ट्रेशन करना, ठीक है, और युद्ध में भी हिस्सा लेना। फिर उनके नीचे आते थे बख्शी, ये आर्म फोर्सेस के या फिर अलग अलग जो सूबे होते थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन का काम इनका होता था। फिर इसके नीचे आते थे मनसबदार, तो जितने भी घुड़सवार हैं, जितने भी पैदल सैनिक हैं, ये सब इनके अंडर में हुआ करते थे, इनको कैश दिया जाता था और ये युद्ध के लिए तैयार रहते थे। फिर उसके नीचे आते थे जागीरदार, तो ये बेसिकली इनके पास भी सवार और घुड़सवार और नॉर्मल जो पैदल चलने वाले सैनिक है वो हुआ करते थे, और ये भी मनसबदार से कॉल करने पे उनको सैनिक सप्लाई किया करते थे। इनके पास कुछ जागीरें यानी कि कुछ गांव हुआ करते थे, उनका रेवेन्यू वगैरह इनको मिलता था। फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एम्परर वॉज द हेड, सुप्रीम हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑल मिलिट्री एंड जुडिशियल पावर्स। वजीर की जो पावर थी वो मुगल्स के अंडर में फिर से रिवाइव की गई, काफी सारे फंक्शंस अलॉट किए गए। एक एक्सपर्ट जो रेवेन्यू अफेयर्स में हुआ करता था जिसका टाइटल था दीवान या फिर दीवाने एला, ठीक है, ये सारे ट्रांजेक्शंस पेमेंट सारे डिपार्टमेंट में जो हो रहे हैं उनका सुपरविजन इसका काम हुआ करता। हेड ऑफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन मीर बख्शी कहा गया, ठीक है, जो हेड ऑफ नोबिलिटी भी है, मतलब सारे दरबारियों का हेड। मीर बख्शी वॉज ऑल्सो द हेड ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्फॉर्मेशन एजेंसीज ऑफ द एम्पायर। मीर समन ये ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड सॉरी सामान एंड रॉयल कारखाना। जुडिशियल डिपार्टमेंट दिया जाता था चीफ काजी को। लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो अकबर ने लिया था ये शेर शाह के सिस्टम पे बेस्ड था, कुछ मॉडिफिकेशंस किए थे इसमें, इसको जब्तीदार बंदोबस्त सिस्टम कहा गया, जिसको राजा टोडरमल ने फर्दर इम्प्रूव किया। टोडरमल ने एक यूनिफॉर्म सिस्टम लैंड मेजरमेंट का जो इंट्रोड्यूस किया, लैंड की क्लासिफिकेशन का और उनकी रेट्स को फिक्स करने का। जो रेवेन्यू था दैट वाज 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस एंड वाज पेड मोस्टली इन कैश। अकबर ने मनसबदारी सिस्टम भी एडमिनिस्ट्रेशन में इंट्रोड्यूस किया। इस सिस्टम में हर ऑफिसर को एक रैंक यानी कि मनसब प्रदान की जाती थी। लोएस्ट मनसब होती थी 10 की, हाईएस्ट होती थी 5,000 की, जो जनरली दरबारियों के लिए होती थी। मनसब को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जात और सवार। जात का मतलब पर्सनल स्टेटस ऑफ अ पर्सन इन द एडमिनिस्ट्रेशन हायरार्की व्हिच आल्सो डिसाइडेड द सैलरी ड्यू टू हिम, कितनी जात हो सकते हैं इनके पास में, ठीक है। दूसरा होता था सवार, सवार मतलब कितने घुड़सवार ये अपने अंडर में रख सकते हैं। तो अगर किसी को एक सर्टेन रैंक दी गई है तो उसको सर्टेन नंबर के जात और सवार जो है मेंटेन करने पड़ेंगे और उसी से इनका स्टेटस भी डिटरमाइन होता था। फिर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सबसे पहले सूबा यानी कि प्रदेश, उसका सूबेदार हेड होता था। सरकार जो जिला होता था उसको सरकार बोलते थे, फौजदार उसका हेड हुआ करता था। अमल गुजार असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, परगना होते थे जो छोटे जिले हुआ करते थे, उसका हेड शिकदार हुआ करता था और विलेज का हेड मुकदम हुआ करता था। रिलीजियस पॉलिसी की बात करें तो 1582 सी में एक नया रिलीजन चलाया, दीन ए इलाही, तौहीद तौहीद ए इलाही, डिवाइन मोनोथिज्म, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक भगवान में यकीन करेंगे यानी कि सुल ए कुल, पीस टू ऑल। लेकिन ये फेलियर साबित हुआ, उसकी डेथ के बाद में किसी ने उसको अपनाया नहीं। लाइफ टाइम में भी सिर्फ कुछ फॉलोअर्स थे जैसे कि बीरबल, अबुल फजल और अबुल फैजी, जो मेरे ख्याल से उसकी चाटुकारिता करने के लिए उन्होंने अपना लिया होगा, ठीक है। फिर अकबर के नवरत्न आते हैं जैसे कि अबुल फजल, वो रोट आयन ए अकबरी एंड अकबरनामा। दूसरे आते हैं फैजी, पर्शियन पोइट थे, अबुल फजल के भाई थे। तीसरे थे फकीर अजायुद्दीन, सूफी मिस्टेक एंड वन ऑफ द चीफ एडवाइजर्स ऑफ अकबर। तानसेन ग्रेट म्यूजिशियन, काफी सुना होगा आपने इनके बारे में, ग्वालियर के पास बेहट नाम की जगह है, वहां बिलोंग करते थे। यहाँ के राजा रामचंद्र है उनको, उनके कोर्ट म्यूजिशियन थे, उनको धमका के दिल्ली बुलवा लिया गया, ठीक है। ही एक्सेप्टेड इस्लाम एट द हैंड ऑफ ग्रेट सूफी मिस्टिक सेंट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर, इनकी भी कब्र ग्वालियर में ही है। फिर आते हैं राजा बीरबल, जिनका नाम था महेश दास, ये भी अकबर के कोर्टियर थे जिनको टाइटल दिया गया राजा का, और बीरबल, बीरबल वॉज बेसिकली टाइटल, ठीक है। ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स अफगानिस्तान साइड में यूसुफ शाही से लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। फिर आते हैं राजा टोडरमल, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, रेवेन्यू सिस्टम इन्हीं के अंडर में था, शेरशाह सूरी के अंडर में पहले काम करते थे। स्टैंडर्ड वेट्स और मेजरमेंट का सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। 1582 में अकबर ने इनको दीवान ए अशरफ का टाइटल दिया। फिर आते हैं राजा मान सिंह, ये मनसबदार थे और अकबर के ससुर भी थे जैसा बताया जाता है। फिर आते हैं अब्दुल रहीम खान ए खान, ये भी एक बहुत बड़े पोयम थे, मुस्लिम थे बर्थ से लेकिन भगवान कृष्ण के डिवोटी थे। इन्होंने बाबरनामा को तुर्की में ट्रांसलेट किया, ही वाज सन ऑफ बैरम खान। और फिर आते हैं मिर्जा अजीज कोका, इनको खान ए आजम नाम से जाना जाता है, ही वाज वन ऑफ द लीडिंग नोबल्स एंड ऑल्सो द फॉस्टर ब्रदर ऑफ अकबर, अकबर के सौतेले भाई, और ये गुजरात के सूबेदार थे।
फिर नेक्स्ट इन लाइन इज जहांगीर, फिफ्थ सिख गुरु अर्जुन देव, उनकी सर कलम करवा दिया था जहांगीर ने अपने प्रिंस खुसरो की सपोर्ट करने के लिए। मेहरुनिसा नाम की बंदी थी, उन्होंने जहांगीर से शादी की और टाइटल लिया नूर जहां पातशाह बेगम का। नूर शाह जो बेसिकली पहले एक अफगान बंदा था उसकी वाइफ थी, तो उसको मरवा के जहांगीर ने से शादी की और नूर जहां ने जो है मेहरुनिसा नाम था, टाइटल लिया नूर जहां पातशाह बेगम का। ब्रिटिश जो थे वो मौसलीपट्टनम मछलीपट्टनम जो है वो जहांगीर के टाइम में आए, कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो ये उसके कोर्ट में आए। थॉमस रो को फरमान मिल गया कि आप इंग्लिश फैक्ट्री जो है सूरत में लगा सकते हैं। तुजुक जहांगीरी लिखी, इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी पर्शियन में। इसके रेन के दौरान अब्दुल हमीद लाहौरी उसने लिखी पातशाह नामा। बहुत सारे पेंटर्स थे, अब्दुल हसन ऋषम दास मास्टर ऑफ पोर्ट्रेट्स, उस्ताद मंसूर एनिमल पेंटिंग में जो एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट थे, ये सब इसके कोर्ट में ही थे। फिर नेक्स्ट शाहजहां, इसके रेन को गोल्डन एज यानी कि मुगल एम्पायर का गोल्डन एज कहा जाता है। ताजमहल बनवाया, तकरीबन इसमें 22 साल लगे। आर्किटेक्चरल डिजाइन उस्ताद ईसा और ईसा मोहम्मद इफेंदी ने बनाई और इसका डोमेन जो डिजाइन था वो इस्माइल खान ने किया। मोती मस्जिद जो है आगरा में बनाई जो पूरी व्हाइट मार्बल की बनी हुई है। शीश महल बनवाया, मुसलमान बुर्ज आगरा में बनवाया, जामा मस्जिद दिल्ली में बनवाई रेड स्टोन में। बहुत सारे राइटर्स और हिस्टोरियंस को पैटर्नाइज किया, जैसे कि इनायत खान जिसने शाह जहां नामा लिखी। इसका जो बेटा था दाराशिको, उसने भगवद गीता को और उपनिषद को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। और फिर नेक्स्ट आता है औरंगजेब। तो औरंगजेब ने कैंपेन चलाया नॉर्थ वेस्ट में यूसुफ जाई के अगेंस्ट, सिख के अगेंस्ट, टेम्परेली सक्सेसफुल रहे। मराठा चीफटेन शिवाजी के लिए जो कैंपेन लड़ाए वो इनिशियली थोड़े सक्सेसफुल रहे। तो उसने पॉलिसी अपनाई ऑफ आउटराइट एनेक्सेशन ऑफ डेक्कन स्टेट्स, इन पर डायरेक्ट कब्जा कर लेना। तो नॉर्थ में सिख का, जाट का, सतनामीज का, इन सब का अपोज रहा। नॉर्थ ईस्ट में अहोम्स का रहा और दक्खन में मराठास का रहा। He was a staunch and orthodox Muslim in his personal life and his ideal was to transform India into an Islamic state. Initially, Aurangzeb ne jo tha naye Hindu temples ka construction ban karwa diya, Puranon ka repair ban karwa diya aur baad mein un sabko wo destroy karne laga. जो केशव राय मंदिर है मथुरा पे जो जहांगीर के दौरान द्वारा बनवाया गया था, विश्वनाथ टेम्पल है बनारस पे, इन सबको तोड़ के इनकी जगह मस्जिदें बनाई गई। 1679 CE में उसने जजिया और पिलिग्रम टैक्स है वो द्वारा लागू कर दिया। मतलब अगर आप जैसे हरिद्वार जाएंगे, अगर हरिद्वार जाने पे आपको गंगा घाट पे नहाना है, हर की पैड़ी पे, या फिर कहीं भी आपको स्नान करना है, तो आपको स्पेसिफिक पैसे हैं जो देने पड़ेंगे, तभी जाके आप तीर्थ यात्रा आपकी सफल हो पाएगी। फिर 1675 CE में 9th सिख गुरु तेग बहादुर जी को एग्जीक्यूट करवा दिया गया, जिसकी वजह से सिख कम्युनिटी का रिवोल्यूशन इसके खिलाफ हो गया। बहुत सारे रिवोल्यूशन हुए इसकी हार्श रिलीजियस पॉलिसीज की वजह से, जिसमें जाट जो थे मथुरा के उन्होंने किया, गोकुल जाट वगैरह का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। सतनामी पीजेंट्री पंजाब में, बुंदेल जो थे बुंदेलखंड में बुंदेला, इन सब ने इनके खिलाफ रिवोल्ट किया। इसके किंगडम में ड्रिंकिंग वॉज प्रोहिबिटेड, कल्टिवेशन एंड यूज ऑफ भांग एंड अदर ड्रग्स वर बैंड, म्यूजिक बजाना भी मतलब कि बंद था, घरों का जो दर्शन होता था वो भी बंद कर दिया गया और जो तुलादान वगैरह होता था वो सब बंद करवा दिया। इसके साथ साथ ज्योतिषियों को एलमेनेक्स यानी कि ज्योतिष शास्त्र की कैलकुलेशंस वगैरह करने से मना कर दिया गया। कलमा वगैरह नहीं पढ़ा जाएगा कॉइंस वगैरह पे, नौरोज का फेस्टिवल नहीं मनाया जाएगा, सती नहीं करा जाएगा, ठीक है। ही वॉज अ लर्न्ड एंड प्रोफिशिएंट इन अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेजेस एंड वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। ही पैट्रनाइज द ग्रेटेस्ट डाइजेस्ट ऑफ मुस्लिम लॉ इन इंडिया, फतवा ए आलमगिरी। फिर ट्रेड की बात आती है इस दौरान मुगल टाइम में व्यापार का क्या सिनेरियो, तो कुछ टर्म्स आते हैं जो आपको देखना जरूरी है। सेठ और जो बोहरा ट्रेडर्स थे वो लंबी लंबी दूरी तय करके लोकल ट्रेडर्स जिनको बनिक कहते हैं उनके साथ में व्यापार करते थे। गुजराती मर्चेंट्स में हिंदू जैन मुस्लिम्स आते हैं, राजस्थान में ओस्तवाल माहेश्वरी अग्रवाल वगैरह जिनको मारवाड़ी कहा जाता है। साउथ इंडिया में चेती आते हैं कोरोमंडल कोस्ट पे, मुस्लिम मर्चेंट आते हैं मालाबार के, इन सब की अलग अलग ट्रेडिंग कम्युनिटीज बनी। बंगाल से शुगर राइस वगैरह एक्सपोर्ट किया जाता था जो मुस्लिम, और सिल्क वगैरह है वो भी। कोरोमंडल कोस्ट जो है वो टेक्सटाइल प्रोडक्शन का एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया। फिर गुजरात वॉज एन एंट्री पॉइंट ऑफ फॉरेन गुड्स, तो यहाँ से टेक्सटाइल और सिल्क वगैरह बाकी नॉर्थ इंडिया में ले जाया जाता था। इंडिगो और फूड ग्रेन्स जो है वो एक्सपोर्ट किए जाते थे नॉर्थ इंडिया में गुजरात के थ्रू, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी था, जो भी लग्जरी प्रोडक्ट्स थे कश्मीर के, शॉल्स और कारपेट्स वगैरह, वो यहीं से जगह बाकी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। फिर
सबसे लास्ट में अब हम आएंगे मराठास के ऊपर. तो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर दैट इमर्ज इन द फेडिंग शेडो ऑफ मुगल डायनेस्टी वॉज द मराठास. जो राइज है मराठास का एज अ पॉलिटिकल पावर इन द लेटर हाफ ऑफ 7th century, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना था. मतलब मुगल एम्पायर धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगा था और मराठास जो है उनका एक्सपेंशन नॉर्थ की तरफ बढ़ता जा रहा था. ठीक है, मालवा पे कब्जा किया है उन्होंने, गुजरात पे कब्जा किया, बुंदेलखंड पे कब्जा किया. ठीक है, और धीरे धीरे मुगल्स के लिए वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के सामने आ गए. मराठा लैंड जो था बाकी एरिया से कट ऑफ था, जो कोंकण वाला इलाका था, तो इस ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से टिपिकल जो मराठा कल्चर है उसको मतलब राइज मिला. फिजिकल एनवायरमेंट मराठा कंट्री का जो था, माउंटेनियस रीजन्स हैं, डेंस फॉरेस्ट है. ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारी पेक्यूलर क्वालिटीज हैं जो मराठास में डेवलप हुई, जैसे कि डिफिकल्ट टेरेन की वजह से ये गोरिल्ला टैक्टिक्स में काफी ज्यादा एक्सपर्ट्स हो गए. इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री सिस्टम्स जो थे दक्कन सल्तनत के, बीजापुर के, अहमदनगर के, यहाँ पर मराठे ऑलरेडी अच्छी अच्छी पोजिशन पे काम कर रहे थे. इसकी वजह से उन्हें एक्सपीरियंस मिल गया एडमिनिस्ट्रेशन का. तो शिवाजी ने क्या किया, शिवाजी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन कन्फरिंग पॉलिटिकल यूनिटी अमंग द मराठास. मराठास को एकजुट करने का श्रेय शिवाजी को जाता है. इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मराठा मिलिट्री जो है वो रेस करी. उसके बाद बहुत सारी लड़ाइयां हुई तो उन्होंने अपनी मिलिट्री पावर कंसोलिडेट की. ही वॉज द फाउंडर ऑफ मराठा किंगडम. एक एफिशियंट एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, जिसकी वजह से मराठा किंगडम को एक स्ट्रॉन्ग बेस मिला. सर गोरिल्ला टैक्टिक्स क्या हुए सर? गोरिल्ला टेक्निक्स मतलब क्या होता है, देखो एक होता है कि दो आर्मीज आमने सामने फुल स्ट्रेंथ के साथ में काम करेंगे, दूसरा होता है कि एक लंबा सा रूट बना हुआ है उस पर एक सर्टेन आर्मी ट्रेवल कर रही है. तो छोटे छोटे दलों में क्या है, जगह जगह छापामार युद्ध. एक ने यहां अटैक किया भाग गए, दूसरे ने यहां अटैक किया भाग गए, तीसरे ने यहां अटैक किया भाग गए. छोटी छोटी पोजीशन में इनको हमला करना, इनकी जो सप्लाईज चैनल्स हैं उनको बंद करना, इनके जो सैनिक वगैरह हैं, कैवलरीज वगैरह हैं, उनको मौत के घाट उतारना. इस तरीके से अपना खुद का जो वो है वो मिनिमम डैमेज होता था, सामने वाले का ज्यादा डैमेज होता था. क्योंकि फुल फ्रंट लड़ाई अगर आप करोगे तो इनकी सेना बहुत ज्यादा है और हमारी सेना है कम, तो हम उनसे जीत पाने में थोड़ा सा मुश्किल रहे. ठीक है, ओके. तो जो शॉर्ट साइटेडनेस थी, जो इम्प्रैक्टिकल डेक्कन पॉलिसी थी औरंगजेब की, उसकी वजह से मराठास का राइज हुआ. ही फेल टू इंटीग्रेट मराठास विद मुगल एम्पायर. औरंगजेब की जो दक्कन पॉलिसी थी वो उसकी पर्सनल फैंसीज की वजह से, प्रैक्टिकल पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से नहीं थी. इसके बाद शिवाजी की मौत के बाद में संभाजी महाराज को भी उसने बहुत ही निर्मम तरीके से मारा. इसकी वजह से मराठाओं में और ज्यादा जो रिवॉल्ट है वो डेवलप हो गया कि भाई अब तो खत्म करना है. तो औरंगजेब की जिंदगी के जो लास्ट के 18-20 साल रहे हैं ना, वो दक्कन में ही रहे हैं, वहीं उलझ उलझ के मराए. ठीक है, तो दिस एक्ट ऑफ औरंगजेब इंस्टिगेटेड द पॉपुलर मराठा रिवॉल्ट एंड व्हेन मुगल आर्मी ट्राई टू सप्रेस इट, औरंगजेब गेट ट्रैप्ड इन द डेक्कन अल्सर. तो ये जो मुगल आर्मी का फेलियर रहा मराठास के अगेंस्ट, इसकी वजह से मुगल इनविजिबिलिटी है, उसके जो पूरी मिथ डेवलप हुई थी वो सब खत्म हो गए. ठीक है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन आर्मी और लैंड रेवेन्यू आता है शिवाजी के अंडर में. तो मराठा किंगडम को स्वराज या मुल्क एक आदिम माना जाता था. ठीक है, कहा जाता था जो राजा था वो पाइवट था, गवर्नमेंट का सबसे हेड था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसके आसपास रहते थे, उनको अष्टप्रधान कहा जाता था. पेशवा बेसिकली पंत प्रधान या फाइनेंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में रहता था, हेड ऑफ काउंसिल. सर ए नौबत या सेनापति, मिलिट्री कमांडर. अमात या मजूमदार, अकाउंटेंट जनरल. वकीनवीस, इंटेलिजेंस एंड पुलिस फोर्स, हिस्टोरिकल आर्काइव्स एंड हाउसहोल्ड अफेयर्स. सरनवीस या चिटनेस या सचिव, जनरल सेक्रेटरी. ठीक है, सुमंत या दुबीर, मास्टर रॉयल सेरेमनीज एंड फॉरेन अफेयर्स. न्यायाधीश वॉज रिलेटेड टू जस्टिस. एंड पंडित राव, चैरिटीज एंड रिलीजियस अफेयर्स. न्यायाधीश और पंडित राव को छोड़ के बाकी सब जो है वो लड़ाइयां लड़ने जाते थे. रेवेन्यू सिस्टम की बात करेंगे तो शिवाजी ने जागीरदारी सिस्टम को खत्म करके रियोतवारी सिस्टम ला दिया. द रेवेन्यू सिस्टम वॉज पैटर्न ऑन काठी सिस्टम ऑफ मलिक अंबर. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी पीस ऑफ लैंड वॉज मेजर्ड बाय रॉड या फिर काठी जो होती है, जिसे हम लाठी बोलते हैं, एंड वॉज क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, पैडी फील्ड्स, गार्डन लैंड्स एंड हिली ट्रैक्ट्स. मराठास ने एक स्पेशल स्क्रिप्ट भी लिखी जिसको मोदी स्क्रिप्ट कहते हैं, जिससे इनके रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड रखे जाते थे. फिर एक टर्म आता है चौथ. चौथ का मतलब 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू उन वो मराठास को दिया जाता था इन ऑर्डर टू अवॉइड द मराठा रेट. जो बंगाल में और राजस्थान में और बाकी जगह मराठास की बहुत ज्यादा रेड्स हुआ करती थी, वो इसीलिए हुआ करती थी कि भाई हमें चौथ नहीं दिया आपने, आपको
चौथ देना है, 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू। दूसरा सर देशमुखी, ये एक एडिशनल लेवी है 10% की, 1/10 ऑफ अ स्टैंडर्ड लैंड रेवेन्यू ऑन दोज लैंड ऑन विच द मराठास क्लेम हेरिडिटरी राइट्स। मराठास को अगर लगता था कि भाई यहां पर हमारे हेरिडिटरी राइट्स हैं तो यहां पर हम सर देशमुखी भी लगाएंगे, ठीक है। एंड दैट्स द एंड ऑफ योर रेवेन्यू सिस्टम। अब यहां पर क्या है कि पेशवा के बारे में थोड़ा बहुत है, वो हम शायद मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ लेंगे। एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस से जो है वो हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को। मॉडर्न हिस्ट्री में मेरे ख्याल से आपके दो लेक्चर्स लगेंगे, दो लेक्चर्स में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी, सीडीएस प्लस एनडीए के लिए, ठीक है।